Assalamualaikum जनाब, I hope everyone is doing good. Welcome to Time Out with Ehsan Khan. हर रोज यहाँ पे आता हूँ, हर वीकेंड पे आपके सामने आता हूँ, और जब आता हूँ तो पिछली एपिसोड के सब रिजल्ट देखता हूँ तो इतना दिल को सुकून मिलता है कि वाह यार, क्या फीडबैक है आप लोगों का. आप लोगों के लिए जोरदार तालियां. अच्छा, ये शुरू में मैं रिसर्च एक करके आप लोगों को कुछ बताता हूँ तो मुझे इसका तो बहुत ज़्यादा फीडबैक आता है. लोग कहते हैं कि भाई आप हमारी नॉलेज में बड़ा इजाफा करते हैं. बात यह है कि क्योंकि स्क्रिप्ट हमारा इतना अच्छा होता है कि मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो रहा होता है. आज एक आपको स्पेशल बात ये बताने वाला हूँ कि बहुत से मुल्कों में रेड कलर को लेकर बहुत सी मिथ्स हैं. यानी कि जैसे एशिया में रेड कलर को मौत का रंग कहा जाता है. यार ये कमाल बात है. आप कोरिया में किसी जिंदा इंसान का नाम रेड कलर से या लाल स्याही से, सुर्ख स्याही से नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो वो बहुत बुरा शगुन काउंट किया जाता है. पोर्चुगल में आप किसी को कुछ रेड पेन से कुछ लिख के दे नहीं सकते. दैट्स वेरी रूड. आई हैव ऑल्सो नोटिस कि बहुत से बैंक्स में अगर आप सुर्ख रंग से, सुर्ख रंग की स्याही से अगर आप चेक भर के भेजते हैं तो अक्सर रिफ्यूज हो जाता है. तो ये पता नहीं क्या चक्कर है कि सुर्ख रंग में ऐसी क्या खतरनाक बात है. जनाब, आज जिनको हम अपने शो में बुलाना चाह रहे हैं उनमें कोई खतरनाक बात नहीं. वो नए हैं लेकिन कमाल काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत बहुत प्रेशर था कि उनको जरूर बुलाएं. आप लोग इतने मैसेज भेजते तो हम आपकी मोहब्बत में आपके फेवरेट लोगों को यहां बुलाते हैं. लेकिन उनसे मिलेंगे ब्रेक के बाद. देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. जनाब, वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान. और अब वक्त है जब मैं आपके हमारे फेवरेट सेलिब्रिटीज को बुला लूं. जैसा मैंने कहा कि हमें फीडबैक आता है और जिन जिन को आप मिलना चाहते हैं हमारी पूरी कोशिश होगी. हम उनको कॉल भी करते हैं, मैं पर्सनल मैसेज भी करता हूं, हमारी टीम भी इनको फोन करती है. जब जब वो अवेलेबल होंगे वो यहां पे जरूर आएंगे. आई प्रॉमिस यू जितने लोग आपको पसंद हैं ऑलमोस्ट सबको यहां बुलाऊंगा. आपकी भरपूर फरमाइश में हमारे साथ आज पहले मौजूद हैं फहद शेख. Have a seat, Fahad. Thank you so much. खैरियत से हैं? अल्लाह के करम. फिट हैं? अल्लाह के करम. I think मैंने जितने भी शोज अभी तक किए हैं उनमें mostly we've had a lot of senior people. जी जी. In juniors, you're the first junior that we have today. So you're super blessed, man. Thank you so much, my pleasure. My pleasure. I always wanted to come here, आपके शो पे, and finally I got the chance. Well, that's you got lucky. Thank you. अच्छा मुझे ये बताओ, आजमाइश एक ड्रामा चल रहा है यार आजकल. अच्छा मैंने एक्टिंग नोटिस भी की क्योंकि मुझे बहुत कम ऐसा टाइम मिलता है. मैं खुद अपना काम तुम देखते हैं क्रिटिसिज्म करने के लिए अपने आप को, लेकिन दूसरों का काम कम देखा जाता है. बट एक ऐसा कुछ प्लेज होते हैं जो घर में आपके चल रहे होते हैं या घर में कोई आपका बड़ा देख रहा होता है. योर प्ले जलन आई रिमेम्बर वॉज अ वेरी गुड प्ले. और उसमें स्पेशली मैंने कुछ सीन्स देखे तो मैंने कही यार ये लड़का तो बड़ा इमोशनल होकर बड़ा अपने काम को सीरियस लेके कर रहा है. ही सीम्स वेरी पैशनेट. तो आई होप यू लाइक दैट. या वो एक्टिंग बस कम्स नेचुरली टू यू? नहीं, इट टुक अबाउट मेरे ख्याल से 5 years टू अंडरस्टैंड अ बिट ऑफ इट. 5 साल हो गए इस फील्ड में. 5 साल हो गए सर. यार देखो फिर तो बनता था आना यार. फिर मैंने भी जूनियर कह दिए. नहीं, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अभी थोड़े से वो ड्रामे मिलने लगे कि आई एम देयर. अदरवाइज होता है कि आप गायब हो जाते हो. तो जलन वो ड्रामा था कि मेरे पास आई थिंक था मौका, मेरे पास परफॉर्म करने का. हाँ, मेरे पास था. तो वो कहते ना मुझे, किसी ने बल्कि कहा भी था ऑन डे वन ऑफ द शूट, ही केम एंड ही से कि एक ही मौका है, इस पे चौका मार लेना. तो चौका मारा या छक्का? वो अल्लाह के करम है, अभी उसके बाद काम ही काम है, तो उसका मतलब है छक्का ही. माशाल्लाह माशाल्लाह. चले एक और फहद की जो रिलेशनशिप है ना हम वो डिस्कस करेंगे. और मैं बड़ा सरप्राइज हुआ वो सुन के. मैंने कहा शायद ऐसे ही मैंने सुन लिया. लेकिन अभी फहद से आगे जाके पूछेंगे. इनकी फैमिली को भी आप लोग जानते हैं, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं. अच्छा अभी आजमाइश चल रहा है तो बहुत अच्छा जा रहा है. अभी फेवरेट हीरोइन कौन है वैसे जिसके साथ आजकल काम कर रहे हो? कौन है फेवरेट, जरा ये पता लगे कि यार कौन सी लड़की के साथ आजकल. मेरी दो है, एक यशमा है और दूसरी किंजा है. यार अब हम एक को बुला सके, सॉरी दोनों को नहीं बुला सके. चले हम पर्ची डालते हैं किसको बुलाएं. बच गया. इन्नी मिन्नी माइनमो किसको बुलाएं, किंजा या यशमा को किसको बुलाएं?
को बुला ले ज्यादा करीब। बता रहा हूँ किंजा को, किंजा तुम समी खान के साथ ही आना यार कल कल अगली दफा, ठीक है। प्लीज वेलकम द गॉर्जियस, द सुपर टैलेंटेड यशमा। सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? नॉट टू बैड, हैव अ सीट। Thank you for having me, Ehsan. It's a pleasure. Looking amazing. Thank you. You look really good yourself. Thank you very much. Sofa mein thodi merge hogi ho, lekin chalo. Haan, mujhe bhi aisa lag raha hai, lekin chale, maine matching kar li. Lekin phir bhi cool. Ye stand out kar raha hai itna portion. Close up banaya Yashma. Main stand out kar rahi. Yashma, isne do ladkiyon ka naam liya. Maine suna, maine kaha chalo main intezar kar rahi hu, to main yahan jaati hu. Intezar kar. Teacher ne. Abhi batao favorite hero ko, naye logon mein se favorite hero kaun hai jisse aajkal kaam ho raha hai? Ek to ye aazmaish mein क्या ऐसा है कि दोनों को जरा ज्यादा लोग कास्ट करना चाह रहे हैं, या ये पहला प्ले एक साथ है? अभी हम लोगों की सिर्फ दो एपिसोड जॉन एयर हुई हैं, और अच्छा फीडबैक आया है। बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा है तो मैंने, मुझे कहा गया कि यहाँ बुलाओ। हाँ हाँ, अच्छा है तो हम यहाँ बैठे हैं। बट आई थिंक अभी जब मजीद और एपिसोड आएंगे तो लोगों को और अच्छा लगेगा। एंड आई डोंट हैव एनी डाउट्स इन द फैक्ट कि पीपल आर गोना कॉल अस एंड यू नो दैट दे वांट टू सी अस टुगेदर। चलो ठीक है, उसे पूछते हैं अभी, उसे उससे तो पूछते हैं पहले। अच्छा मुझे बताओ, एज अ वीजे यू केम इन द फील्ड एंड म्यूजिक में इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा, असल मैं, मेरा म्यूजिक में एज सच इंटरेस्ट नहीं था, वो एक बड़ी कहानी थी। आई वॉज बेसिकली फ्री मेरे समर हॉलीडेज से, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे। आई एम 27 नाउ एंड आई वॉज 16 एट दैट टाइम। और मेरे समर हॉलीडेज थे, मेरी एक दोस्त थी, शी वॉज अ वीजे, मैं उसको पिक एंड ड्रॉप करने जाती थी। तो वो एक दफ़ा द डायरेक्टर लुक्ड एट मी एंड ही सेड कि हमारा एक शो शुरू हो रहा है, आप अपनी दोस्त से पूछें, अलीना मेरी दोस्त का नाम था। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, 3 महीने में फ्री हूँ, मैं कर लेती हूँ। सो दैट आई ओनली डिड फॉर 3 मंथ्स। उसके बाद आई टुक अ गुड ब्रेक ऑफ आई थिंक 7-8 years, बिकॉज मैंने ओ लेवल्स किया, ए लेवल्स किया, बाहर गई पढ़ने, वापस आई, फिर उसके बाद मैंने दोबारा ज्वाइन किया। तो मैं कंसिस्टेंटली लाइक काम नहीं कर रही थी। अच्छा मैं बात तो सुन रहा, लेकिन मुझे खुशबू इतनी डिस्ट्रैक्ट करी, दोनों में से किसने लगाई हुई इतनी अच्छी खुशबू? तो जाहिर है इससे यशवा, हाँ बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है यार ये जो इतनी जबरदस्त खुशबू, काश कि आप लोग सूंघ सकते, लेकिन नहीं सूंघ सकते ये खुशबू। बहरहाल बातें तो सुन सकते हैं आप यशवा की। अच्छा मेरे जो नाम का मतलब है ना, वो है खुशबूदार फूल, बाय द वे। क्या बात है, असल में लगाई नहीं हुई, यशवा से खुशबू आ रही है। अच्छा मैं कल आता हूँ। मैं कल आता हूँ, इजी होने में आता हूँ कल। ये वो उसका मतलब, मैं भी बैठा हूँ इधर ही बात करूँ, कल आता हूँ। लेकिन एक मिनट यशमा, उसने कहा 5 साल, so how many years? It's been four years. अभी ये चौथा साल है। So do you stand where you wanted to be, or you're still moving towards that place? I think आप like constantly आप अपने आप से compete ही कर रहे होते हो, तो एक मैं मतलब मैंने कभी एक जगह कोई सोची नहीं अपने लिए कि इधर जाके मुझे रुक जाना है, ग्लास सीलिंग ब्रेक करके जाऊंगी। प्यार के सदके से बहुत अच्छा फीडबैक मिला। कौन सा प्लेयर जो वो पहचान बना के, पहचान से मतलब कि उसने इंस्टेंट एक पहचान, तो आई थिंक प्यार के सदके ही बना, ठीक है। लेकिन हर रोल जो मैंने, हर कैरेक्टर जो मैंने किया है वो बड़े दिल से किया, और वो इसीलिए किया है क्योंकि मुझे लगता था कि यू नो आई कैन पुट माई सोल एंड ब्लड इन टू द कैरेक्टर, विच इज़ वाई वो किया। और हर कैरेक्टर दिल से बहुत करीब है और मुझे उतना ही पसंद है जितना प्यार के सदके की शान से पसंद थी। क्या बात, हर कैरेक्टर दिल के करीब है, सच बात है। वरना मतलब क्यों, मतलब आई थिंक आपको एक काम, हम एक्टर्स इसीलिए काम करते हैं ना, बिकॉज़ पैशन यार, वी आर हंग्री फॉर द क्राफ्ट। अगर क्राफ्ट ही नहीं आपको अपनी पसंद होगी तो पहली चीज है हंग्री फॉर द क्राफ्ट, एंड देन वो बाकी जो उसके साथ है। अच्छा फहद मुस्तफा से बड़ा एक प्यार मोहब्बत है। हाँ? बड़े भाई तो क्या वजह उसकी क्या है ये उनको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता, मुझे आज पता बता देना हमें आप। हाँ, एनालिसिस करें। एक वजह तो कि ही इज अ गुड प्रोड्यूसर। नहीं प्रोड्यूसर तो फिर सब है, फिर मैं सबके साथ होता, ऐसी क्या बात है। और वो कितने प्रोड्यूसर है जो किसी को इस तरह से गोद ले लेते, कोई नहीं लेता। गोद ले लिया तुझे? मुझे लगता है कि क्योंकि आपके लिए सबको गोद ले लेता है। आई थिंक व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज दैट फहद इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। Of course that he reflects is. In his production as so well. Is it only him being a good human that's why isko god le liya? Ye god ka mujhe nahi, kuch humme bhi tha, hum bhi thode positive hai. Aise hi bol raha hu yaar. Nahi le li sir, kuch hum bhi positive hai, lekin unke sath mera relation aisa hai ki right here abhi main yahan baitha bhi unhi ki wajah se sir. Wonderful, he's a very humble guy. He's an amazing person. Acha Yashma, you, I don't know if you know that, I mean nobody knows that, but well, a lot of people know that. मैं ही थोड़ा नाइव था। I was just confirming कि लेकिन मैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इस बात पे ज़ोर दे रहा हूँ, because शायदा मिनी
एंड हर हस्बैंड जो जावेद भाई हैं उनसे मेरा एक हमारी फैमिली टर्म्स है बहुत पुराने. माय फादर इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड जावेद भाई के. एंड देन हमारा घर में आई थिंक यू वर वेरी यंग व्हेन आई केम एट योर प्लेस. मुझे कराची आए हुए अब 10 साल हो चुके, तो 10 साल से तो बिल्कुल मुलाकात नहीं. बट यार मेरे लिए सरप्राइज था कि इतनी उनका एक बड़ा नाम शायदा मिनी ने बहुत ज़बरदस्त फिल्में की हैं शायदा जी ने, एंड शी इज़ अ वंडरफुल सिंगर. और फिर उनका दामाद यार, और लोग तो शादी इस फील्ड में आगे करते हैं, शादी पहले मुझे शायदा जी जो है वो कितनी इंस्पिरेशन बनी कि मुझे इस फील्ड में जाना है. मैं उससे पहले ही होस्ट था. मैं ठीक है, मैं होस्टिंग करता था. आई यूज्ड टू डू अ शो 11 नंबर के नाम से. तो मैं होस्ट था, लेकिन इन लाहौर, राइट? जी जी, इन लाहौर, स्टाइल 360 में. सो शादी के बाद आई लेफ्ट दैट. मेरा अपना कपड़ों का काम है स्टिल, वो चलता है. तो वो सब कुछ करने के बाद आई डिसाइडेड कि मुझे अब ड्रामास करने चाहिए. देखिए, हम एक्टिंग बैकग्राउंड से, जैसा मेरी बीवी को बिल्कुल शौक नहीं था कि मैं इस काम में आऊँ, लेकिन आई सेड कि मुझे एक चांस शौक है. वो थोड़ा सा ये होता है ना, अब तो कराची बैठा है, वो लाहौर बैठी हुई है. यार ये उसका उसका बड़ापन है कि मुझे उसने सपोर्ट किया है. आज सुबह ही मैंने उसको कहा, सुबह उठ के मेरा दिल किया उसको कहा, मैंने कहा थैंक यू. कहती है ज्यादा थैंक यू कहा करो, वो परेशान होगी कि थैंक यू किस बात का बोल रहे हैं. नहीं नहीं, शी इज देयर. मैंने उसको सिर्फ एक बार कहा कि मुझे एक बार जाना है कराची, मुझे याद है. एंड शी सेड जाओ. उसने कहा जाओ, लेकिन अब वापस नहीं आ. अब उसको आना पड़ेगा, अब उसको आना पड़ेगा भाई. कराची जो आता है, कराची सबको संभालता है. नहीं नहीं, कराची सर एक्सेप्टेंस है कराची में. कराची की क्या बात. आई कॉल इट मुंबई. मेरा दिल करता है इसको मुंबई बोलने का, क्योंकि बिल्कुल सेम. स्पेशली व्हेन यू कम फ्रॉम लाहौर, तो आपको थोड़ा सा कल्चर भी, आपको थोड़ा डिफरेंट एक वो कल्चर वाइब ऑफ इट. हां, इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम लाहौर, राइट? सो यू हैव अ किड आल्सो? जी जी, 6 ईयर ओल्ड. गुड. लेकिन ये आया ही फील्ड में देर से. या शादी बहुत जल्दी कर ली इसने. लव मैरिज है जी, लव मैरिज. अभी ऊपर मेकअप रूम में बैठ के बोल रहा था, अभी भी मेरे पास 10-15 साल है. मैंने देख लिया है. 10-15 क्यों, बहुत ज्यादा है. अभी फोटोशूट किया. मैंने कहा नहीं यशमा, मेरे पास टाइम है अभी. बहुत 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 टाइम है यार. टाइम नहीं, एक्टर जब अपना जिसका स्किल अच्छा हो तो फिर उसका एक्टिंग का कोई टाइम नहीं है. एक्टिंग आप मैं कल भी क्लिंट ईस्टवुड की मिसाल. कभी साहब बनना है. हाँ, कवि मुझे साथ. कवि साहब देखे ना, वो माशाल्लाह ही इज ऑलमोस्ट 80 प्लस. ही इज लाइक डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क. माशाल्लाह. अच्छा, तो फिर शायदा जी इंस्पिरेशन नहीं थी. मतलब इंस्पिरेशन ऐसे नहीं कह सकते कि शी इज देयर. मतलब इज शी हैप्पी फॉर यू नाउ? या शी इज, शी इज. यार आई विश वी कुड टॉक टू हर ऑन द फोन. यार बड़ा मजा आता. आई थिंक आपने रखा हुआ है कुछ, लाइक फोन करना तो नहीं है मुझे. नहीं, मुझे मैं चाहता हूं मैं उनसे फोन पे बात जरूर करूं. इट वुड बी वंडरफुल. जरा पूछूं कि कैसा सन इन लॉ है. लेकिन अब ये, क्योंकि मैं इससे ज्यादा प्यार इसलिए करूंगा क्योंकि अब ये मुझे एक फैमिली पता लगी, क्योंकि वो तो हमारी फैमिली है. नहीं यार, वैसे भी आई वुड बी काइंड टू यू, बट नाउ इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप. एनी हाउ, फैमिली में कितनी सपोर्ट मिली कि ये काम करना है नहीं करना? अक्सर बैकलैश होता है इस फील्ड में आने के लिए लड़कियों के लिए. और खास कर लड़की प्यारी भी हो, टैलेंटेड भी हो, आउटस्पोकन भी हो, तो लोग तो और डर जाते हैं माँ बाप के. यार रही इतनी हमारी बच्ची. शुरू में काफी डिफिकल्ट था. अम्मी का फिर भी थोड़ा सपोर्ट था, अब्बू काफी थे कि नहीं नहीं हो सकता. बट देन आई थिंक विद टाइम जब उन्होंने देखा कि अच्छा कर रही है काम और कुछ गलत ना हो रहा है ना खुद कर रही है. फ्रॉम कराची? आई एम फ्रॉम कराची. ओके. So you live in your house? I live in my house. Abhi recently my family Lahore move karne ka soch rahe hain, because my brother is getting married over there and they have like our extended family is from Lahore. Okay, so okay. Soch rahe hain. So I kehti hu jis tarah iske sath hai na ki shaadi pehle hui kaam mein baad mein. Maine kaha main kaam mein pehle hi Lahore baad mein shift hui. To us tarah ka kuch hisab chal raha hai, but otherwise I'm from Karachi. Okay, so wo kitni supportive thi family when you enter the field and do they watch your work? They do watch my work now. Papa तो शुरू-शुरू में बिल्कुल नहीं देखते थे, and मैंने mostly काफी negative characters भी किए हैं. I'm sure you must be aware of that. हाँ, of course. लगता है ये वो वाली लड़की है जो home wrecker type बन गई है. क्या कर रही है? एक तो तुम TV पे आ रही हो, ऊपर से तुम ऐसे आ रही हो. मतलब मुझे तो तुम्हें देख रही हूँ. अलिफ में भी कोई guest appearance किया था? अलिफ में guest appearance थी. हाँ, उसमें तो I was a super model. तो this narcissist. लेकिन या बट अब अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबॉडी इज फाइन. सब मान गए हैं, मामू चाचू सब लोग. बट औरतें जो थी फैमिली की वो सपोर्ट में थी. मर्द जो थे ना वो थोड़े से थे कि नहीं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एवरीबॉडी इज ओके. सही है. सोशल मीडिया के बारे में क्या, आजकल बड़ा एक एक्टिव हो गया कि आप एक वीडियो बनाते हैं. यानी आपने अगर 4 ड्रामे किए हैं और उस पर रजिस्टर आप नहीं हुए, लेकिन आपने एक वीडियो बनाया और आप क्लिक हो गए, तो हाउ डज दैट फील? आई थिंक अब काफी मींस है लोगों के पास अपने सिर्फ एक्टिंग दिखाने के नहीं, अपना टैलेंट दिखाने के नहीं, बात भी करने के. तो मुझे तो सोशल मीडिया, काफ़ी लोग अगेंस्ट है सोशल मीडिया के थोड़े. आजकल मैं लोगों के इंटरव्यूज़ में सुन रही होती हूँ, बट मुझे पर्सनली लगता है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आई थिंक वी आर ब्लेस्ड विद इट नाउ, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पहले हम नहीं जान पाते थे
अब वो आ जाती हैं हमारी अटेंशन में और उसकी वजह से काफी डर भी है लोगों को कि वी कैन नॉट जस्ट डू थिंग्स एंड गेट अवे विद देम बिकॉज़ यू नो अब एक वीडियो एक मैसेज लगना है एंड आई थिंक अब जो हमारी अवाम भी है वो भी इतनी ज्यादा उनका भी कॉन्शियंस इतना जाग गया है कि वो हर ऐसी चीज जो कि जिस पे बात करनी चाहिए दे आर नॉट स्केयर्ड एनीमोर वो बात करते हैं So, like you went to Linton Market in Lahore and you saw the animals, they were treated so badly. Yeah, they were treated horribly. And I'm glad that uska kafi acha feedback aaya. Logon ne mujhe calls aaye kafi channels se bhi, mujhe kafi NGOs se call aaye and they wanted to go and help. But then wahi baat hai na ki agar hum to Linton Market se jaake help kya hoti hai? Ki aap jaake khareed ke unko azad karwa do, phir wo mazid unki aadat ban jati hai. Wo karobar bana lete hain ki hum laayenge, hum inko, aur wo purposely unko gande jaise mein chidiyan milti hain, qaid hui hoti hain. उनको ट्रीट करके पानी वानी देके खाना देके फिर आ जाते हैं कि नहीं हम खरीदेंगे नहीं हम इन्हें यहीं पे रखते हैं जानवरों से बहुत प्यार करती है यशमा कहीं भी देखती है सिर्फ जानवरों से और आई ऑलवेज से दिस कि हाथ भी नहीं धोती बाद में हाँ मेरे शूट में मैंने चील भी पकड़ चुकी हूँ मैं कवे भी पकड़ चुकी हूँ कोई कुत्ता कोई बिल्ली शी जस्ट गोस अच्छी बात शी हैज अनदर मींस शी हैज अ ग्रेट हम लोगों ने रिसेंटली एक शूट किया हमारे शादी का सीक्वेंस था अल्लाह देखो मैंने ड्रामे की कहानी आगे की बता दी बट दिस इज अ गिव अवे आजमाइश की बात हो रही है हाँ तो उसमें ना एक छोटी सी बिल्ली बेचारी उधर ना घूम रही है वो लिटरली ऐसे ना यकीन नहीं करोगे मेरे हाथ से भी छोटी थी तो मैं उसको उठा के अंदर ले आई कि इसकी माँ तो कहीं पे है नहीं कोई लोग कहानी बना रहे थे कि साथ घर छोड़ के माँ जाती है मैंने कहा चलो दूध पिलाते हैं ये कह रहा है मैं इसके साथ आज स्टेज पे नहीं बैठूंगा इसने हाथ भी नहीं धोए हैं सुबह से इस बिल्ली को बहुत बुरी लगी बेबार अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि कौन फेवरेट हीरो हीरोइन कौन है जो पुराने एक्टर्स का नाम मैं चाहता हूं आप मुझे बताओ कि यू थिंक कि दे रियली गुड एंड यू वुड लाइक टू बिकम लाइक देम ट्राई टू चलो और लाइक टू बिकम लाइक दैट यार मुझे तो अमिताभ बच्चन जो है वो अच्छा अमिताभ बच्चन मैं तो कॉपी करता हूँ ट्राई की आवाज़ तो मुझे कभी कभी जब कोई मिल जाता मौका सीन आवाज बनाने का तो आई ट्राई दैट पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि वो जो करियर है ना उनका अभी तक चल रहा है अडैप्ट किया उन्होंने भी टाइम तो क्रेडिट जाता है दिलीप साहब नहीं कर पाए अडैप्ट मतलब ही जस्ट वेंट के यार बस ठीक है वो आज भी ही इज रेलिवेंट तो ये आई थिंक क्लास है रेलेवेंट होना बहुत वोकल एक्सप्रेशंस का और एक्ट्रेस कौन सी जो बहुत पसंद हो पुरानी इट कुड बी पाकिस्तानी एक्टर आल्सो हां पाकिस्तानी व्हाई नॉट पाकिस्तानी है क्योंकि हमारी खत्म हो गई है इंडस्ट्री अब नजर नहीं आते लोग तो फिर अपनी सासू मां के नाम ले लेता हूं सेफ कैटेगरी में हां ये कैटेगरी में नाम ले यू मेड इट सो ऑब्वियस एंड ही इज लाइक या यू मेड इट सो ऑब्वियस कि कैटेगरी में Yeah, I hope we could show her pictures and some clips because and I love her voice. She's an amazing singer. Acha, who's your favorite actor? Chalo, puranon ki baat kar raha hu. नए में तो बहुत सियासी एक तो हो जाते हैं लोग के पॉलिटिकली करेक्ट होने इनका भी नाम लेना इनका नहीं लिया अच्छा फिर देखिए बड़े तो हम लोग मतलब भी इसमें कोई गलत बात नहीं है कहने वाली लेकिन बॉलीवुड दिख के हुए हैं तो उधर से ही मैं नाम लेना पड़ेगा लोकल लोकल बताऊं लोकल माल का भी नाम ले लो यार लोकल माल का मैं नाम बताऊं अच्छा मैंने अच्छा मुझे आई रियली लाइक दिस फिल्म कॉल्ड चूड़ियां गाना कौन सा बड़ा फेवरेट है उसका गाना गाना तो मुझे अभी नहीं याद बट आई थिंक वो था यशमा गाना सुनाती है कभी सेट पे आई कैन नॉट सिंग टू सेव माय लाइफ लेकिन मुझमें कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस है गाने का फिर आप सुनते गाना चलो यार क्यों मेरे साथ गाऊंगा ना यार मैं साथ गाऊंगा चलो मैंने गिटार बजाने की बड़ी कोशिश की इसलिए जिंदगी में गिटार सीखने की कि साथ में ना आवाज ना उसके अंदर थोड़ी सी गुम हो जाए और ज्यादा गिटार की आवाज बोल दी यशमा गाना पड़ेगा वरना कौन सा गाना ऐसे ना मैं आपको मना कैसे कर सकती जो आपका दिल कर रहा है वो गाना आप कोई फरमाइश करें ना मेरी मैं कोई गुलगुलकार हूं बस जो आपके दिल में गाना वो सुना दें प्लीज मैं कौन सा गा रही थी अभी उधर पिकअप रूम में जो सुनाया सिचुएशन पे जा रहा था अफसोस करोगे तो गाती रहती है कुछ आ नहीं रहा ना आप बता दो अच्छा ठीक है चलो हम ब्रेक के बाद सुनने याद सुना के सुनाए बगैर नहीं हां नहीं जाने देना अच्छा व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान यदि एक्टिंग में ही फुल टाइम या कुछ और नहीं आई वुड लव टू परस्यू माय साइकोलॉजी अभी कोरोना की वजह से मैं उसको मजीद आगे कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे मेरा मास्टर्स कंप्लीट करना है मैंने ऑस्ट्रेलिया से किया था लेकिन यहाँ पे लाइसेंस के लिए मुझे यहाँ का करना है तो सो आई नीड दैट टू हैव माई ओन क्लिनिक तो बस वो एक प्लान है कि इंशाल्लाह आई विल हैव दैट ऑन द साइड एज वेल
अच्छा मुझे एक चीज बताओ, दोनों इस फील्ड में आना एक अलग मरहला है, फिर नाम बनाना एक अलग मरहला है, फिर उसको सस्टेन करना और ऊपर जाना. सो व्हाट डू यू से कि हाउ डिफिकल्ट, हाउ इजी, किस तरह करना पड़ता है? नसीब सबसे पहली बात. ये सब लक की बात है. नहीं, लक गिव्स यू चांस मेरे ख्याल से. आपको पता है सुन भाई, इट्स नॉट इजी कि आपको कोई कहे कि मेरा इतना बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें यू बी पार्ट ऑफ इट, क्योंकि एंड देन स्टैंडिंग आउट इज आल्सो वेरी टफ. इट्स स्ट्रगल, नॉन स्टॉप स्ट्रगल है अनटिल अनलेस स्टेज पे आए आप कि इट्स इजी नाउ, मेरे पे बिकता है सब कुछ. यार हम तो इस स्टेज पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ट्रस्ट मी. हम लोग ज्यादा मेहनत कर, यानी इसलिए कि अब क्योंकि आप जब एक सर्टन पॉइंट पे पहुंच भी गए तो फिर आपको you have to be different and you have to be better all the time. I think like Allah Ta'ala says ke aapke oonton ki hifazat meri zimmedari hai, lekin wo bandhne ki zimmedari aapki hai. So like chance mil jata hai, but then aapko khud us pe mehnat karke, you know, of course bhi aa gaye ab to. Matlab ek example de rahi thi main, baat nahi chal rahe hum, to chal rahe. Achhi baat hai, achhi example hai. So you feel it's a lot of hard work and luck. As he said, luck can probably put you in the limelight, but then to stay there, you have to, you know, matlab put a lot of effort. Field mein aane ke baad proposals aaye koi? Tumhe? वो तो शादीशुदा है, उसको क्यों मतलब उसे घर वाले सब उसकी बेगम देख रही है, उसके इन-लॉज बैठ के आज स्पेशल उसका शो चल रहा है, ये तो जरूर देखेंगे. तो वो उससे मैं ये सवाल करूंगा. हाँ वो तो ऐसा वैसा कुछ वो बात भी करेगा तो मैं उल्टी बात करूंगा. मेरी मैनेजर को एक दफा आया था कोई ईमेल, कोई न्यूयॉर्क से, कोई कोई बड़े मजे पूरी वो थी फैमिली, दे वर रेडी टू लाइक सेंड टिकट्स एंड दे वर लाइक यू नो वी वांट टू मीट हर, बट मैंने कहा नहीं अभी अभी कोई प्लान नहीं है. अभी कोई प्लान नहीं है. घर से प्रेशर नहीं है? घर से प्रेशर है, लेकिन क्या है घर में, बेटा शादी कर लो. कि मतलब अच्छा चलो काम करना है कर लो, लेकिन शादी भी कर लो. तो मैं कहती हूँ कि मिल जाएगा कोई तो कर लूंगी, तो कहती है इस काम के साथ तो कोई नहीं मिल सकता, सुबह 10 से रात 10 बजे तक तुम काम पे होती हो, कब मिलेगा. बट यू थिंक दिस प्रेशर इज लाइक, इट्स प्रेशर लाइक, हर एक की ख्वाहिश होती है, खुद भी पेरेंट्स की भी, कंपेनियनशिप ख्वाहिश होती है बेशक, लेकिन आई थिंक शादी एक ही दफा हो और उसमें आप खुश रहो तो उसके लिए जरूरी है कि सोच समझ के करो. एक ही दफा ये बात. लड़के के अंदर ना सुनने की जो है ना ताकत होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए. हाँ अभी तक आप में मैं देख रहा हूँ वो है ताकत. आप बात कर ले उससे भी, थोड़ी सी बात कर ले प्लीज. अच्छा नहीं यार एक देखो बात सुनो यार, हम दो भूख लग गई अल्लाह की कसम, इतनी देर से बैठा हुआ है. मुझे कुकी चाहिए खाने के लिए, बिस्किट चाहिए. फहद मुझे ये बता भाई, कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो सोचा कि यार ये वाला जब कैरेक्टर मिलेगा तो बस मैं तबाही मचा दूंगा? रूट ब्रैट मैं अभी तक प्ले करता हूँ. द गाय के लड़की छोड़ गई, पैसे नहीं थे, द गाय आगे वाला हैंडसम था मुझे छोड़ गई, मैं आया कम बैक आई टेक रिवेंज. मुझे अब वो वाला लड़का बनना है कि जो आए यूं करके, जो जो आए यूं करके लड़की को प्यार से, ऐसी की तैसी प्यार से भी नहीं देख रहा, लड़की को भी ऐसे देख रहा है. जलन में आगे जाके मिनाल के साथ आज भी गिरे हुए पैसे नहीं उठाता मैं, वो वाला वो वाला ठीक है. अच्छा यशवा कौन सा ऐसा कैरेक्टर जो सोचती हूँ कि ये अगर मैं कर लूंगी यार हार्ली क्विन बनना है. छोड़े आप अभी चढ़ जाएगी वहाँ. ये तो स्पाइडरमैन हो गया यार. यशवंत लग नहीं रही ऐसी मुझे. Cool. She is so cool और she is so genuine. आप यकीन करें आपको लगेगा लड़का है. She is so मतलब मुझे तो नहीं लग रहा लड़का है. क्योंकि वाली क्या बात, मुझे तो नहीं लग रहा लड़का है. इसको मैंने सहेली बनाया. मुझे तो नहीं लग रहा लड़का है. ये अच्छी भी लड़की को बोल रहा है लड़का. यार ये क्या, अभी गाड़ी में मैं सहेली भी हूँ जी इनकी. यशो मैंने यहाँ किया है, यहाँ पहुंचा यशो के. नहीं बासित जलस है मुझसे पहले दिन. वो बासित और शुदा. अच्छा बट एनीवे यार बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, गेम की जाने बढ़ेंगे. यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान.
वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान. और अब वक्त हुआ है मेरा सबसे फेवरेट सेगमेंट. वो इसलिए नहीं कि बेचारे सेलिब्रिटीज को झटका लगता है, वैसे हो भी सकता है कभी कभी दिल करता है इनको झटका लगे, लेकिन आज तो दोनों इतने मासूम और प्यारे प्यारे लोग मेरे सेट पे हैं. मैं चाहता हूँ बिल्कुल आप दोनों को झटका ना लगे, लेकिन सच सच बोलना है. सेगमेंट का नाम है झूठ का झटका. यू विल हैव टू आंसर एज फहद एंड फहद will answer as Yashmar, right? Do you get it? Yeah. Identity crisis. No. ठीक है. तो पहला सवाल हम करेंगे. अच्छा उसके बाद पहले हाथ रखो. हाथ रख के रखो. मैं तो डर ही नहीं हूँ ना. डरना नहीं है, relax. बिला वजह नहीं दबाना यार. हाँ बिला वजह नहीं. मैं सारे मैंने झूठ बोलूँगी. अरे ये देखिए हरकतें. वो सिर्फ चेक कर रहा है. वो चेक कर रहा है कि लगता भी कि नहीं लगता. ठीक है. यू नहीं पकड़ना फाद. यू ये गुड बॉय. ठीक है. फहद एज यशमा. मैं जब लेट हो जाती हूँ तो मैं ये बहाना करती हूँ. यशमा सच बताऊंगा तो सच मेरी जान. मैं जिम में थी और मैं जो था जिम बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में और मैं जिम में थी. लेकिन मैं जिम में होती हूँ सच में. जिम की वजह से लेट होती हूँ. सच है. जिम की वजह से ही लेट होती हूँ. हाँ. लेकिन लेट होती है. लेकिन बहाना नहीं होता सच में. लाइक जिम की वजह से लेट हूँ. जिम में ना हो तो घर से जिम वाले कपड़ों में आ जाती है कि मैं जिम में थी और कहती मैं जिम थी. बट आई नो शी गोज टू जिम विद अदनान. जिम सो इज द सेम ट्रेनर. थैंक यू. जो हफ्ते में दो बार सिर्फ मेरे पास आते हैं. टाइम नहीं होता. अभी उनका मैसेज आया था. ठीक है. ओके ओके. यशमा एस फहद. मैं जाहिर नहीं करता लेकिन मेरे अंदर बहुत भरम है. भरम नहीं है इसके अंदर. नहीं है. नहीं बिल्कुल नहीं है. He is a very down to earth. लोगों को लगता है लेकिन ये सच कह रही है. He is a very down to earth. लोगों को लगता है. पता है शक्ल ऐसी है. He gives. ये बहुत कोशिश करता है. I'll tell you. ये बहुत कोशिश करता है कि लोगों को लगे मुझमें बहुत भरम है लेकिन है बिल्कुल नहीं है. आदों को तो मेरी शक्ल से होता है यार. ये इज रूड. ये पता नहीं क्या समझता है. पर वो मिलते हैं तो ओके हो जाता है. फिर सहेली बन जाता है. सहेली. अच्छी बात है. जब बंदे की शादी हुई तो वो सहेली बन जाता है. हां मैं सहेली भाई. आई एम हैप्पी. मुझे एक्टर बनना. सही है. ठीक है जी. या एक्टर बनता है या सहेली. ठीक है जी. फहद एज अगर मैं नाराज होंगी तो मैं ये करूंगी. मैं शाहिद भाई पे चीख लूंगा. शाहिद भाई असिस्टेंट. बस उनकी मौत उनकी. हाँ उनकी मौत है. उन पर आ जाएगा. कौन है शाहिद भाई की शक्ल देखा. वो खाना भी लेट है. वो दूर से हाथ हिला रहा है. एडी को डांट रहे लेकिन शाहिद भाई के थ्रू डांटेगी. शाहिद भाई मेरा खाना क्यों बुलाया. शाहिद भाई मेरी डील हुई भी. उनको पता है कि सामने बंदे को गुस्सा करना है. हम सबकी डील हुई होती है अपने अपने शाहिद भाई से. अगले को पता चलता है मुझे गुस्सा आ गया. उसके पीछे प्यार भी होता है उस डांट के. जनती है. क्यों बात इनके साथ है. वो जनती है. ये मार इसको प्रेस करना है. बस मारना नहीं. जनती आदमी है. सही कह रहे हैं. आई थिंक आई एम अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन टू बी अराउंड. दैट्स ट्रू. ओके. यशमा एज फहद राइट. अगर सेट पर ये बातें हो रही हों तो समझ जाएं कि फहद वहीं मौजूद है. गॉसिप. ओए मुझे मारा क्यों है. उसी को तो याद है. एक्साइटेड हो गई थी. एक्साइटेड हो गई. यशमा तू बच अब. जल्दी आंसर देने में दबाना होता. सच बोल रही है. नहीं सब ही करते हैं. सब ही करते अगर सच नहीं बोल रही है. नहीं आई थिंक डायरेक्टर और इसकी बहुत आपस में बातचीत है तो ये लोग ही बैठ के बातें कर रहे होते. मेल एक्टर की डायरेक्टर से ही होगी ना दोस्ती. तो वही प्यार करेगा हमें. ठीक है. ऐसी लड़कियां बंदा में गॉसिप करती है. सुन लो. ठीक है जी. फहद एज यशमा. गॉसिप करने के लिए मेरे पास बहुत टॉपिक्स हैं. ओहो नाम यू नेम वन. पिक करें आप. पूरा दो घंटे भी आपने देखा तो है. आई एम अ टॉकेटिव पर्सन यार. मैं बात कर सकती हूं. उनको पता है ऑलरेडी. पिछली ब्रेक में उन्हें पता. यही तो उन्हें पता चला है कि यू आर अ टॉकेटिव पर्सन. नहीं डाल ये यार मैंने ठीक है. वो एंजॉय कर रही है. हाँ ये अब आई सॉरी. आई मीन यू आर टफ. वो चाहती है ज्यादा. लेकिन करंट प्रूफ तो नहीं है ना. टफ गाय. अब टफ गाय. यशमा वो चेक कर रही है. चेक कर. बार बार कह रही टफ गाय. यशमा अब ना कह रही. ठीक है यशमा. हाँ जी. मेरी डाइट में
ये 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 चीजें जरूर होती हैं। हाँ, ये पता अच्छा है। रोज टेबल पे पूरा वो दर्जन अंडे होते हैं ना, वो अपने उसी के अंदर आते हैं दर्जन अंडे। अच्छा। वो जो डब्बे में होते हैं ना उसी डब्बे में आते हैं बॉयल होके, वो बेचारा हमारा शूट का जो कूल। सो यू लाइक अ जिम फ्रीक एंड यू लव। और भी सुने ना, पूरे दर्जन अंडे सही है, उसके साथ हलीम, उसके साथ क्यूकम्बर्स भी, कैरेट्स भी, और फिर जूस भी आता है, तो सब कुछ प्रोटीन आता है। फुल प्रोटीन, लोडेड लोडेड, एनी टाइम एनी टाइम उतार दूंगा। हाँ। मैं यशमा को धमकी देता हूँ कि मैंने यशमा तुम्हारी बेटी के साथ हीरो आना है, सो फॉर दैट आई हैव टू बी फिट। नहीं, बेटी की बेटी भी खा दो, इतना भी नहीं, बेटी के साथ आ सकता हूँ। सोच देख उसकी, अरे कहाँ तक था। ठीक है, ओके फहद एज यशमा, अगर मेरा मूड बना हुआ हो, बुरे मूड में हो, तो समझ जाए कि सेट पर, हाँ सेट पर यशमा के मुताबिक काम नहीं हो रहा, जो यशमा ने सोचा था उस हिसाब से नहीं हुआ, तो अब यशमा का जरा मूड ऑफ है। क्या क्या सोचा होता यशमा? रोना शुरू कर देती हूँ मैं तो। आपसे गिरफ कितना जानते हैं अभी तक असली कोई फेस्टिवल वैसे शौकिया नहीं। आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी ऑन द सेम पेज विद डायरेक्टर, विद द राइटर एंड विद योर सेल्फ, ठीक है, एज एन एक्टर। तो मैं जब किसी भी सेट पे जाती हूँ ना, मेरे साथ एक मेरा पूरा रजिस्टर होता है जिसके अंदर मैंने अपने पूरे सीन्स लिखे होते हैं, कंटिन्यूटीज लिखी होती है, मूड लिखे होते हैं। तो मैं मुझे ना देखा मेरी शक्ल, फिर सोफे को देखा, यार एक मिनट बात मुझे क्लेरिफिकेशन नहीं देना, बस तुम चाहते मैं गंदी हो जाऊं ना। गंदी हो चले आपका भी एक अपना प्री वो होता है, आपने कंसीव किया होता है कि मुझे सीन ऐसे देना है या ऐसे करना है, तो जब बीच में और एक्टर्स बोलते हैं ना फहद जैसे कि मुझे क्यूज ऐसे दे दो ना, तो मैं अपना रिएक्शन ऐसे दूं, तो मैं कहती हूँ तुम अपना रिएक्शन दे दो जैसे तुम्हें देना, मैं तो ऐसे ही दूंगी। तो उस बात पे मूड खराब होता है, ठीक है, तो एक पूरा सेम पेज पे होना चाहिए जो इनका है वो पेज। मूड सही रहता है, अच्छी बात है। थोड़ी बॉसी है इसका मतलब, थोड़ी बॉसी है। हाँ है तो है। I mean not without my research. Cool, cool. ठीक है। फहद, मेरा यानी यशमा का फेवरेट फूड ये है। Oh, lush crush. Ooh. कैसे? डेली खाती है। पब्लिसिटी कर दी इसने। Lush crush की न्यूटेला आइसक्रीम मैं रोज खाती हूँ। अब जाके उनसे पैसे ले लो ना, कहना मैं टाइम आउट में नाम लेके आई हूँ। सीनियर एक्टर्स में सबसे हैंडसम ये है, सीनियर एक्टर्स में सबसे हैंडसम ये, मतलब कि मैं जिसके बारे में सोचता हूँ ऐसा कि वो सबसे, ओ लड़कों में से, लड़कों में से या लड़कियों में से? अरे लड़कों में से, सीनियर एक्टर। मुझे लड़कियों का पता है ना, लड़कों बताओ, चलो लड़कियों का मेरे सबको टीवी पे पता है। उष्णा, I want to work with her, Sajal also. अच्छा, you like Ushna and मतलब के अच्छा, she's a brilliant actor. इसीलिए and a brilliant brilliant human being. दोस्त है, of course, दोस्त है, दोस्त है, इसीलिए अच्छी इंसान है, इसलिए दोस्त बनी ना। Amazing, lovely, very nice. अच्छा, उसने क्वेश्चन में आपको पता ना खुद अपना कर लिया जो आपने पूछा। मुझे लड़कों का पता नहीं था, मैं क्या बताती हूँ। ठीक है, वो अपना उनका भी कहना। अच्छा फहद एज यशमा, सबसे फेवरेट एक्टर मेरा ये है, सबसे हैंडसम जो इसको लगता है। तीन नाम लेती है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है, एक के साथ ही काम कर चुकी है, तो आई थिंक फिरोज। ठीक है, यशमा, यशमा एज फहद, अगर मुझे मौका मिले तो मैं एक्टिंग छोड़ के सिंगिंग शुरू कर दूंगा। नहीं, नहीं करेगा। हाँ ना, कभी भी नहीं, गाड़ियां बनाएगा ये। हाँ। गाड़ियों को रिवैम्प करेगा, मुझे वो शौक है, वो शौक है। Yeah, we know each other so well, man. I'm surprised. नहीं बता रहे हम, क्योंकि हम सहेलियों में इसकी डेली बैठ के दुख दर्द। अभी दो गाड़ियां आई हुई थी ना हमें शो के लिए पिक करने, मैंने कहा ज्यादा ही जानते हैं एक दूसरे को कुछ ज्यादा। मैंने कहा तुम मेरी गाड़ी में आगे बैठो, पूरे रास्ते दूसरे में आगे होके बैठ गए। अच्छा आगे बैठ रहा था, मैंने कहा पीछे बैठो, पीछे बात करनी है, मसले चल रहे हैं, कुछ मसले चल रहे हैं। मैंने कहा मुझे बताओ मैं क्या करूं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ठीक है फहद एज यशमा, मेरी इस एक्ट्रेस से
थोड़ी कम बनती है। ओहो वो तुम्हारा सर फाड़ देंगे यार यार ऐसे नहीं यार क्या कर रहे यार why you like putting me in a spot नहीं मैं बहुत नाम है मेरे पास है बहुत तो नहीं चलो पुराना है थोड़ी नहीं बनती ना थोड़ी नहीं बनती इसमें लास्ट ड्रामा कौन सा किया तूने लास्ट नहीं यार मैं I love Yumna यार बेचारा कोई भी नाम लेगा उसमें ये दबाई अच्छा और नाम ले ले कोई छोड़ो इनसे बनती इससे बनती और किससे नहीं बनती निम्रा बहुत अच्छी दोस्त है निम्रा और यमुना में से तो हो ही नहीं सकती यमुना जारा भी बहुत अच्छी अच्छा हाँ बल्कि लास्ट प्रोजेक्ट तो मैंने जारा अच्छा खुद बता दो यार ऐसा कोई है किसी थोड़ी बहुत ना हो जिससे बनती ना हो या लाइक दोस्ती ना हो चलो इस ड्रामे में मिंसा है मिंसा है किंजा है मिंसा भी दोस्त है किंजा भी दोस्त है किंजा किंजा भी दोस्त है हाँ नहीं आप सेट पे काम कर रहे हो दोस्ती तो आपकी सबसे हो जाती है इतना सोच रही है यार मैंने तो दिया है झटका तुम्हारे सर में रख के झटका दे सकती हूं मैं भाई आगे नहीं बढ़ेंगे हम आगे पहले बताओ सवाल का जवाब दो हां यार ये क्या बात है यार क्या तुम बता दो तुमसे सवाल पूछे मुझसे थोड़ी तो मैंने बता दिया कि इस सेट पे मिंसा है मिंसा झूठ हां रखो हाथ एक सवाल सवाल रख ले तो दे रखो प्रॉपर चलो नहीं है कोई हां कोई नहीं वेरी वेरी पॉजिटिव गर्ल शी इज वेरी पॉजिटिव Why are you making it sound like it's a lie? नहीं, मैं बुरा एक्टर हूँ क्या? वापसी में भी मेरे साथ इसको भेजिएगा क्या? Convincingly बोलना यार। अच्छा convincingly? हाँ, very positive. Very positive. इन साहब की किससे नहीं बनती ये बता दें। या किससे नहीं बनाना चाहेगा ये? वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लड़कियों का मैं दोस्त हूँ सब। I'm Sahili. हाँ, लड़कियों से तो हो ही नहीं सकता इसकी ना बने। क्या कर रहे आप? यार लड़कों में किससे नहीं बनती तुम्हारी कोई है ऐसा अब देखो मैं कितनी अच्छी इंसान हूँ मैं तुम्हारी उसके ज़हन में कोई नाम ही नहीं आ रहा अभी आजकल तुम्हारी कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं कौन कौन नहीं नहीं कोई नहीं है कोई नहीं सच में कोई नहीं है यू नॉट मेक इट साउंड कवर अप तो करूंगी ना ओके यशमा मेरा फोन पे सारा दिन कॉल्स आती है और मैं फोन पे बहुत बिजी होता हूँ बहुत हाँ मेरा हाँ हाँ वो ये क्रिप्टो क्या है वो जो तुम कॉइन्स में लगे हुए आजकल वो इन्वेस्टर भी है नहीं क्यों सच में तुमने एक अलग से वो नहीं लिया वो उसको पीछे हैंड लगा हैंड सा लगा के तुम फोन को सामने रख के देखते रहते हो उसमें ही काम होता है लेकिन इसको कहा मुझे सिखा दो कहता मैं ही चल रहा है इसका ठीक हूं मैं फोन पे अलग से ठीक हूं मैं ऐसा हो नहीं सकता तो कॉल्स नहीं आती लेकिन वो देख रहा चारों तरफ से कुछ ना कुछ आता रहता है पता नहीं देखता रहता है मार्केट उसकी ऊपर नीचे हो रही है क्या गुड बॉय गुड बॉय और ये तो फोन पे बिल्कुल बिजी नहीं रहती ओहो नहीं नहीं मैं फोन तो नहीं यूज करती रश्मा नहीं फोन नहीं यूज करती ये मत बोलना मेरे बारे में सच है ये सच नहीं है भाई हर पल कोई ना कोई मंजन चल रहा है कोई ना कोई इशू है लाइफ में उसको ये कर दो वहां से ये पिक कर लो ये तुम ले काम रिलेटेड ना काम रिलेटेड फोन पे हो तुम काम रिलेटेड के भाई कपड़े ड्रॉप कर दे शूट के जूते ड्रॉप कर दे हमने एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा आपको बहुत अच्छी तरह पता है कितनी छोटी छोटी कॉल्स करती होगी ये पता तो चल गया आपको 15 सीन दे रहे हो दिन में ऐसे आपको लगता है हमें बात करने का टाइम मिलता है आप खुद एक्टर हैं यार आप बताएं देखा नहीं है ऐसे आप बताएं बेसिकली वो है कि तुम्हारा नाम क्या है बसंती ये बसंती है बोलने का तो हमें शौक ही नहीं है आई कैन मल्टीटास्क ओके या चलो कभी ऐसा हुआ कि यशमा ने सीन पे रुकवाया हो कि सर दो मिनट मेरा बड़ा जरूरी नहीं नहीं ये मैंने नहीं किया सीन में नहीं सीन में वेरी प्रोफेशनल वैसे सीन रोका होगा शायद कि नहीं नहीं आप पहले मुझे बताएं मैं पीछे क्या कर रही थी और आगे क्या करूंगी नहीं 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 आप मुझे बताएं ठीक है फहद यशमा का लास्ट डायल नंबर क्या हो सकता है अभी का हाँ मिनहास माय मैनेजर कैसे हाँ क्योंकि हर वक्त तो ये टपा टप कुछ ना कुछ करती रहती है हाँ मिनहास नजर नहीं आ रहा दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ गया है गायब हो गया उसने कहा निकलो उसके चला गया उसने कहा निकलो उसने निकलो उसने कहा अब ये शो में बैठी हूं आपको मैं सांस ले लूं शुक्र है ठीक है यशमा एस फहद इसकी बातें मुझे थोड़ी सी बनावटी लगती हैं
फहद की नहीं, फहद को ऐसा लगता है कि किसकी, किसकी बात है, किसकी कि फेक कौन लगता है मुझे, इट कुड बी फ्रॉम द फील्ड, इट कुड बी एनीबॉडी। वो मुझे मारेगी, मैंने नाम ले दिया तो। देख मुझे जो लगती है फेक, हाँ ले नाम, श्योर, अरे ले। वो बेचारी बोलती है ऐसे ना, हम सबको, हम उसको बोलते हैं तुम्हारी आंखों में झूठ है, हम मेरी छोटी बहन बनी हुई है ड्रामे में, मिंसा। ओके वो बेचारी बहुत झूठी है, तेरी है नहीं लेकिन लगती है। नहीं वो उसकी आंखों में ना कुछ शरारत है, हम कहते हैं तुम जब भी सच में बोल रही हो तो हमें लगता है शरारत है। हमेशा कहता हूं कि तुझे किसने कहा है कि तू ऐसे देखेगी तो तू अच्छी लग रही है। दोनों बहुत लड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं दोनों। ठीक है ओके, क्या क्या बात, मैं रो पड़ती हूँ अगर 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 बहुत कुछ हो जाए, लेकिन मैं एक नाम ले देता हूँ, अगर मेरी बात ना मानी जाए। अगर क्या एक लड़की तैयारी करके आई है और वो काफी आपको बताया रजिस्टर बताया उसने, और वो कह रहे नहीं, इससे सारा मजे सुनाया डायरेक्टर से, रो पड़ती है। नहीं सिंपल का है, नहीं she starts crying on that, दिल टूट जाता है इसका। फिर अगेन वो लश्कर खाती है। How sweet is that, यशमा? See, I'm a soft-hearted person. और ज़्यादा जानते हैं हम एक दूसरे को। यशमा, ख़वातीन की ड्रेसिंग में मैं सबसे पहले ये देखता हूँ। जूते। हाँ। इसके क्योंकि ये मेरे ड्रामे में मेरे पीछे पड़ा हुआ है मेरे एक जूते के, कि ये तू फेंक दे। मैंने कहा कंटिन्यूटी के फेंक दे, मैंने कहा स्टाइलिस्ट ने दिए, मैंने कहा ये मेरी स्टाइलिस्ट ने दिए मुझे पहनने, पहले दिन से उनके पीछे पड़ा हुआ है ये, मैं इन जूतों के साथ नहीं, उसके साथ फेंके नहीं अभी तक। वो कह रही है मेरी स्टाइलिस्ट ने दिए और मैं अभी पहनूंगी, और जी मुझे फील ही नहीं आ रही होती इसको देख के ना, मैं क्या ये फील, कौन सी फील, मतलब ये मेरी आगे जाके ड्रामे में ब्लॉक हील्स होती है ना, तो मैंने थोड़ा अपना पोस्चर उस तरह से बनाने के लिए मैंने वो ली हुई है, तो ये कहते हैं ये उतार दो तुम, ये ऐसी वाली पहनो, वो हाँ, लाइक अच्छी वाली। मैंने कहा नजर नहीं आ रही, पैंट्स इतनी लंबी है, नजर ही नहीं आ रही मुझे, तो आ रही है ना, अच्छी सही है, सस्ते उस जूते की तस्वीर दिखाई जाए, कह रहे सस्ते तुम मुझे ले दो ड्रामे में 150 दिन पहनने के लिए जूते, कोई महंगे। फहद, इस कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में जानने का मुझे बहुत शौक था। हर कंट्रोवर्सी ऐसा नहीं होता कि हर कंट्रोवर्सी हो, किसको नहीं होता, एवरीबॉडी हर कंट्रोवर्सी फोन कर लेगी, हेलो ये हुआ है, एक्सेप्ट फॉर मी, आपको नहीं है, मुझे कुछ दुनिया का नहीं पता था क्या, मैं जानना चाहता हूं। अच्छा हां, कोई गॉसिप आए तो तुम नहीं पता करती कि अच्छा क्या सीन है, ये सच भी है कि नहीं? हाँ, यार एक दूसरे को करंट कुछ झटका ही नहीं दे रहे, क्या है ये सेगमेंट का, कि हुआ क्या था, हुआ क्या था, ऐसा हुआ भी है कि नहीं हुआ, कितने दिनों से 50 दिन का 70 के मेरे 50, आई हैव टू टॉक, लेट टॉक, मैं लाहौर बाप मैं फोन करने वाला हूं। नहीं मैंने भाभी की तस्वीरें देखी, छोड़ा है बात, मैंने भाभी की तस्वीरें देखी हैं, बहुत प्यारी हैं, लंबे बाल हैं, बेटे की भी देखी है, सब देखा है मैंने, 50 दिन, हां यार ठीक है जी। यशमा, इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अदाकारा इस वक्त ये है, तुम्हें बता चुकी हूँ जो इनको लगती हैं। एक नाम कोई, इनके अच्छा, सवाल इतने पॉजिटिव क्यों हैं? ये मेरे वाले ऐसे कि चेंज करें, अच्छा बदलियो, अच्छा बदलियो, भाई तुम लिखवा के, अच्छा चलो, इंडस्ट्री की सबसे बदसूरत फनकारा से कौन लगती है, मुझे कौन लगती, जिसको छीन लगती, बता बता, ये कहते हैं बिल्कुल प्यारी नहीं है, बता दे दो दफा मैंने कहा आओ शो पे, कह रही हाँ आ रही हूँ, आज ही बुला लेते, पहले बोलता है गुड कपल यू नो ऑन स्क्रीन ऑल्सो, मुझे अभी मैं एक ड्रामा तो कर रहा हूँ सोनिया के साथ, लेकिन मुझे उष्णा के साथ भी करना है, अब आई होप जो एक बात चल रही है वो हो जाए, इट्स ऑलरेडी इन द प्रोसेस, नहीं मैं काम मिल रहा है शेख को, उष्णा सोच लो, डिसीजन लेने से पहले सोच लेना, कॉल मी, ये बुरा एक्टर नहीं हूं, मैं बुरा एक्टर, अच्छा मुझे यशवा फ्रॉम द क्वेश्चंस फ्रॉम यू, मुझे डायरेक्टर की इस बात से बहुत चिढ़ चढ़ती है, मुझे इसकी तो बहुत बनती है फजर से वैसे इस शूट पे, वरना अदरवाइज आई थिंक मैं स्ट्रगलर आदमी हूं, मैं डायरेक्टर जो कहता ना जी उधर खड़े नहीं, फहद सबसे पहले डायरेक्टर को घेरता है
ये कहता डायरेक्टर ही है सर आप ये आप सब कुछ है मेरे बात बहुत स्मार्ट है देखो दैट्स द वे टू डू इट बट इट्स ओके इफ ही डज दैट आई लाइक इट कैसा तो डायरेक्टर को इतने कभी नहीं सुनता डायरेक्टर को घेरता है ये जो जुमला है ये बहुत लपा थोड़ा चला कपा दी क्या चक्कर आई लव यू रुबा इस पे फादर दबाया भी नहीं कि बिल्कुल सच क्या अच्छा ये रियलिटी है डायरेक्टर मेरे दोस्त हैं सारे हां पहले काम नहीं करना चाहते कई बार तो कहते नहीं चाहिए ये ओके अगर किस्मत में हो तो मिल जाता है तो अब वो मेरे दोस्त हैं और मैं रिपीट एक्टर होता हूं आई थिंक वो क्योंकि मुझे पता है और कोई सहारा नहीं है तो दोस्ती हो भी जाती है फिर आपस में हो जाती है बॉय टॉक बॉय चैट फायदा आई थिंक डायरेक्टर को अगर काम करने वाला एक्टर मिल जाए और तंग ना करे तो वो डायरेक्टर दे रिपीट द एक्टर्स ऑफ कोर्स यशमा रिपीट नहीं हुई कभी मुझे यदि यशमा को डायरेक्टर की इस बात से बहुत चढ़ चढ़ती है ओहो मैं सुबह से तो बता रहा हूँ आपको कि जो यशमा सोच के आई अब वो ना ये मरेगा ये मरेगा अच्छा ब्यूटी है कि एक पूरा रजिस्टर है वो सुना जाएगा अच्छा 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 ये मैंने यूं सोचा और उसके बाद डायरेक्टर के देखो नहीं सवाल है सुनना वो क्या जवाब दे रहा किसी पे तो दबे कुछ मैं मेकअप में पूरे सेट पे सबसे ज्यादा देर लगाती हूँ नहीं नहीं मेकअप तो बहुत जल्दी होता है मेरा नहीं लगाती टचअप भी नहीं कराती हूँ मैं तो यार बड़ी अच्छी टचअप भी नहीं होता मेरा तो लिटरली दोनों लड़कियां माशाल्लाह ठीक है इस ड्रामे में अच्छी मिल गई तो जल्दी हो जाता है इनका काम आज काफी जोर लगा कर आई है वैसे नहीं बट मेरा लाइक जो मेकअप आर्टिस्ट है उनकी हमेशा मुझसे कंप्लेन रहती है कि तुम टचअप के लिए बैठ जाया करो नेचुरल है ये कि वो लड़ रहा है वो मेकअप वाला लड़ रहा है कि यार करो है ना यशमा अगर सेट पे दूसरा हीरो साथ हो तो मैं तैयारी में ज्यादा एफर्ट करता हूँ इनका यही तो सबसे बड़ा भरम है कि ये एक ही हीरो ड्रामे में कोई मुझे हटाए मेरे मुंह पे कोई ब्रांड लगाए नहीं मैंने कहा एक ही है क्या करे मेरा मुंह पीछे अब पीछे देख रहा हूँ मेरा टाइटल ऐसा है अच्छा फाद अगर सेट पे दूसरी हीरोइन मुझे ना पसंद हो तो मैं मेरा मूड ऑफ हो जाता है मेरी आंखों में आ जाता है अगर कोई if like there's a negative अच्छा, vibe वो मुझसे था क्वेश्चन अब मैंने फाद से पूछा है सॉरी के लिए भी पकड़ लो जा अकेले खेलो यार तुम छोड़ो नहीं मेरे सवाल ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल ऐसे सवाल लिखती हैं कि बस इसके शो के बाद मेरा करियर खत्म नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला डोंट वरी बता फहद हाँ हाँ जालिम आंखों में आ जाता है इसके फौरन पता लगता है कि ये लड़की पसंद नहीं है यूं हो जाती है देती नॉट भी करके जाती है यशमा इज दैट ऑन पर्पस यू वांट टू टेल अदर्स नो आई लाइक नेचुरल इफ देयर इज अ नेगेटिव वाइब एनीवेयर लाइक अराउंड मी मेरे आ जाता है आंखों में मैं लाइक आई कांट फेक इट और ये सब मेरे आंखों में आता है ना हाथ पैर नो अच्छा ये इसमें है मैं अदरवाइज तो मैं मैसेजेस भी लोगों को लंबे लंबे भेज देती हूं जिनसे मुझे नेगेटिव वाइब आ रही होती है कि सुने प्लीज लाइक हमें साथ काम करना है यू नो लेट्स जस्ट बी लाइक नाइस विद ईच अदर एंड मैं चाह रही हूं मैंने कुछ गलत किया है तो आई एम सॉरी यार ये अच्छा यू एक्चुअली मैसेज देम एंड यू कॉल अगर मैंने कुछ गलत किया तो लाइक आई एम सॉरी हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती है ना इफ समबडी इज एक्टिंग अ सर्टेन वे टुवर्ड्स यू तो जरूरी नहीं है कि लाइक वो गलत है हो सकता है कि उनको आपका कुछ गलत लगा हो सकता है उनको आपकी कोई चीज गलत लगी हो तो आप अपोलोजाइज कर लो ताकि टू क्लियर द एयर खत्म हो गई अच्छी बात है यार बहुत हंबल है यार सो हंबल मैन कुछ ऐसी ही है अमेजिंग यशमा आई एम सो इंप्रेस्ड कुछ ऐसी ही है हमारी यशमा आई डोंट नो दैट वाज सार्कास्म
अच्छा फहद के लिए सवाल है, नहीं सवाल यशमा से लेकिन फहद का सवाल है, मैं स्क्रिप्ट से ज्यादा पैसों पे गौर करता हूँ। नहीं सिर्फ स्क्रिप्ट से ज्यादा गौर करते हैं, पैसे ज्यादा मैटर करते हैं कि स्क्रिप्ट, व्हाट डू यू थिंक? इसने मुझे हमेशा बताया, मैं से कभी पूछ रहा नहीं कितने पैसे मिले इस चीज के, बोलता है मैंने आज तक भी पूछा ही नहीं कितने पैसे मिल रहे हैं। आई एम इजी विद मनी, मुझे मुझे बड़े भैया ने कहा था बिजनेस ही बड़े चल रहे हैं भाई के। आई थिंक एक्टर्स अब जो आ रहे हैं उनको करना पड़ेगा, यू हैव टू बी स्टेबल। तो मेरा जो मेरे मेंटोर है उन्होंने भी, मैंने उन्हीं का मॉडल फॉलो किया हुआ है, इन्वेस्ट करते जाओ और आगे चलते जाओ तो काम के साथ आता है पैसा। मेरे ख्याल से काम करो पैसा सही है, बिल्कुल सही है। ओके यशमा जो है वो अपने सारे पैसे साया कर देती है। ये सच है भाई? एज यशमा बताने, मेरा इस वक्त जिंदगी का मकसद है एक चीज जिसमें मेरा सारा पैसा जा रहा है, वो बुक हुआ है और वो महंगा भी हो गया है। बुक करवाया था वो पैंट 65 का, ये 72 का 8 लाख ऐड हो गए। क्या बेचारी और काम कर, दिन रात सुबह निकलती है गाड़ी के लिए, वो वीगो रिवो शायद, हां नया ट्रक बुक करा लिया। सुबह उठती है फोन करती है, हेलो काम है कहीं कोई सीन कब आएगा? पीछे बिठाने डाले में लाइक एज इन माय डॉग्स, मैं एक्चुअल डॉग्स, मैं कहती हूं बीच जाना है। डाला चलाएंगे हम, केन कार कोर्सोस है ना पास, दो रखे हैं वो होंगे, शाहिद भाई भी पीछे बैठेंगे उन्हें पकड़ के, ये पूरा शूट भी करवाएगी मुझे पता है। इससे ये साबित हुआ कि दोनों एक दूसरे को 50 दिनों में इतना जान गए कि किसी ने किसी को झटका नहीं लगाया। हम बोलती है इतना पता ही नहीं चला इसके बारे में। तो तुम चले जाया करो ना उठ के, तुम्हें भी तो शौक है बात में सुनने का, तुम भी पूरे मजे लेते हो। अब लगाए क्यों नहीं? पूरे मजे लेते हो तो उठ के चले जाया करो, इसे भी सुनना होता है बैठ के, हर मसाला हर मसाला। ठीक है जनाब, यहाँ पे एक ब्रेक लेके अगले गेम की जाने बढ़ेंगे और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। Welcome back to Time Out with Ehsan Khan, और हमारा सेगमेंट है तीखा सच, और तीखा सच में हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो बहुत शौक से मिर्चें खाते हैं और खाएंगे, और उसके साथ साथ हमें जो तीखा किस्म का सच है उसका जवाब भी देंगे। तो शुरू करें। Done. तो सुना मिर्चें बहुत पसंद है यशमा? हाँ जी जी, ये सबसे पहला तीखा वो था, ये झूठ के मिर्चें मुझे पसंद है। Honestly, कुछ ऐसी है यशमा, खाएगी ना अभी? ये भी खाओ और इसको भी खाते हैं, ठीक है? डिप करो, हाँ अच्छी तरह डिप करके ये लो, और जब अच्छी तरह वो भर जाए तो फिर उसको आराम से, शुरुआत मुझसे क्यों हो रही है? आप खाओ। नहीं आपसे शुरुआत नहीं, ऐसे दिल कर जाए। जी जी चलो, हाँ यस यस यस। अच्छा इवन भी समझ आई? दानिश भाई क्या कह रहे थे, अब समझ आई आपको? अब आपको समझ आई क्या कह रहे यार दानिश भाई? ये जी ठीक है, आप लोगों ने कहा कि हमने खाना है, ये बाय एक्टर्स चॉइस होता है ये सेगमेंट, तो उन्होंने चूज किया। उड़ के नाक पर आ गई अभी, उड़ के बहुत बहुत ठीक है जी। पहला सवाल हाँ शुरू करो ना, शुरू करें मुझसे, इनसे ना, यशमा से पहला सवाल है। अब जल्दी से सवाल करें, ये खाना मैं चाहता हूँ आपको खाते हुए देखूं, चाहता तुम खाओ। ऐसे सवाल करे ना, कोई टाइमर नहीं है इसका? ठीक है थोड़ा और ऐसे तुम्हारे बचपन के फ्रेंड है, तुम खाओ प्लीज। ऐसे ना करे मेरे साथ, ऐसे पहली बार मैंने आपसे जिंदगी में कुछ मांगा है। अभी तो मांग क्या मांगा? ठीक है यार, नहीं क्या नहीं खाओ, ना खाओ ना खाओ, ऐसी की ना खाओ, छोड़ दो यार। ये अगर ये नहीं खाना तो ये खा लो, और ये वाले खाओ ना तुम, ये जो इतने प्यारे प्यार से बनाए हैं एहसन भाई ने, प्यार से। हाँ यार ये they're amazing, they're not bad. कहाँ तुम यूं में इतने खा रहे हो तुम्हें? खा रही है वो, क्या चाह रहा है तू? फहद यार फहद ये खाओ, चलो तुम पे अब ये खाओगी तुम। फहद क्या बात है भाभी, ये क्या है, आपके अलावा किसी और को? चलो मैं शुरू कर रहा हूँ।
मैं शुरू कर रहा हूँ. ठीक है. ये ठंडे ठंडे विंग्स. जी जी कैरी ऑन. आस्क मी. यार गर्म करके लाओ उसके लिए विंग्स. जब मैं नया नया आया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने उम्मीदें दिलाई, फिर वो फोन भी नहीं उठाते थे. किसी ने उम्मीद फोन ही नहीं उठाया. उम्मीद वाला चक्कर ही नहीं. फिर फोन भाई बंद करो. और एक ने उठाया तो मुझे कहा अगले महीने करना. मैंने अगले महीने किया 30 डेज बाद. उन्हें फिर कहा अगले 30 डेज बाद करना. फिर किया 30 डेज. अब वो फोन करते मैं नहीं उठाता. Is that an actor or is that a producer? Producer, producer. Oh, सही है. चल अभी नहीं किया उनका काम. ये नहीं कि मैं कोई तोप चीज़ हूँ यार. मज़े किया वैसे. है ना अच्छी. मैंने तो बोला है. तो बस मुझे हुआ यार नए लड़कों को चांस देना चाहिए. कल को वो ऐसे मैं के शो पे आ जाएंगे. और अगर आपने किसी को चांस नहीं भी देना तो बहुत क्लियरली आप बात कर सकते हैं कि यार अभी नहीं. After a few years, after a few months, यानी चीजों को किसी को लटकाएं नहीं. Lead on बहुत करते हैं. It's very disturbing. मैंने कहा ओबामा को फोन कर लिया मैंने. ठीक है यशमा. ये कौन है ये? जी ये देखिए खा रही हूँ ना. हाँ मैंने दो खाए हैं भाई. आपकी भूख लगी हुई थी. मैं अब कितना उसको फोर्स कर सकता हूँ यार. तेरी बात नहीं मान रही तो मैं तो पहली बार उसे थी. हाँ मैं तो सही. मैंने आपकी इतनी बड़ी बात का जवाब दे दिया. आपकी बात मान गया. बिल्कुल सही है. बिल्कुल सही है. मैं नहीं अफोर्स कर सकता यशमा. ये आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री में क्या होता है. क्या मतलब होता है यार? यार मेरे सवाल का टाइम तुम क्यों लंबा कर रहे हो? शेखर को कहा जा रहा है बेटा तू खा. ठीक है मेरे ऊपर डाल दी इसने. इसके भी खाऊंगा एक तो मैं. हाँ ये भी जरूरी. यशमा की दोस्ती में तुझे खा लेना चाहिए उसके. हमें कोई एतराज नहीं. तो बस ठीक है. ओके अच्छा जी. एंजाइटी और डिप्रेशन का सामना किया और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, खुद को समझाया, थेरेपी ली, दवाइयां ली, अपने सर्कमस्टेंसेस खुद चेंज किए. बिकॉज़ आई थिंक कोई भी लाइक आपको आके किसी चीज से निकाल नहीं सकता. यू हैव टू खुद ही हेल्प योरसेल्फ. यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ. लोग आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं. बट वाज दैट बिकॉज़ ऑफ दिस फील्ड, रिलेटेड टू दिस फील्ड, और वाज इट लाइक पर्सनल? इट वाज बिफोर दैट. सो इट वाज व्हेन आई वाज अराउंड 20. And then it continued till, I mean, abhi bhi kabhi na kabhi on and off hota hai, lekin aise mai ko neend aa gayi. Suno itne sensitive topics pe na tum hansa nahi karo, galat baat hoti hai. Acha ise bade logon ki help ho sakti hai is baat se. We're talking about depression and that's a very sensitive topic. Oh bhai, mirchi hai, sachmuch hai. But yeah, so ye hai ki I think you need to just surround yourself with positive people. You need to believe in yourself. And if you think you need help, there's no shame in taking it. Just like जिस तरह से आपको शुगर हो सकता है, आपके किसी भी बॉडी का और ऑर्गन खराब हो सकता है, उस तरह आपका दिमाग भी एक ऑर्गन है, उसमें भी माल फंक्शन हो सकता है और उसको ट्रीट कराने में कोई शेम नहीं है. ठीक है. और इजीली you got out of it easily? It's never easy. अच्छा आप भी बाज नहीं आ रहे हैं ना? आप भी बाज नहीं आ रहे हैं. I'm offended. We're talking about depression here. Listen, this is a very sensitive. अगर आप इससे ऐसी बातें करेंगे तो ये ऐसी बातें करेंगे. अब यार जोक्स करेंगे, आपको पता नहीं है कितनी विटी है. फौरन आएगी बाप. हमें क्या पता यार, तुझे पता है भाई. ठीक है चलो. अच्छा चलो जी कैरी ऑन. स्ट्रगलर खाएगा. स्ट्रगलर खाए ना खाए यार. स्ट्रगलर खाए यार तो अच्छा वाला काम करे. स्ट्रगलर्स ऐसी जरा मॉडेस्ट हो रहा है कि यार मैं हम्बल. दूसरे लोग तारीफ करें मेरी. ठीक है. बहुत का ताल्लुक म्यूजिक इंडस्ट्री से है लेकिन वो शौक अब खत्म हो गया है. I tried my luck. मैं कुछ ऐसा था कि I believe on this agenda कि यार जो दिल करे ना जो. But you like singing? हाँ कोशिश मैंने की पर बहुत जलील हुआ तो मैं. क्या मतलब? हाँ. क्या ओ भाई ये तो सचमुच है मुझे. नहीं क्या 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 हुआ क्या? I tried. मुझे कहा, मैंने कहा गाने गाते हैं. मैंने शुगर लगाया तो फिर मैं सीखा. नहीं नहीं डायरेक्ट पैसे थे तो मैंने कहा खरीद लेगा सब कुछ. एक क्या बात है. गाने खरीद उन्हें खरीद. कौन सा गाना फेवरेट है यार? कोई गाने की एक लाइन सुना दे. मैंने कसम खाई हुई मैं नहीं गाऊंगा. अल्लाह की कसम ये हाथ में रिस्क है. ये भी मैंने बड़े भाई से वादा किया था मैं कभी नहीं गाऊंगा. उन्होंने कहा बेटा बहुत बुरा गाते. गुड गुड यार ये जी बात है. कसम खा ली यार कभी नहीं. ओके यशमा मूविंग फॉरवर्ड. ज़्यादा सोच रही है इसमें क्या हो गया है? खाने के बारे में सोच रही हूँ क्या? मुझे खाने मैंने खाने खा लिए. अल्लाह जब तक थोड़ी सी मिर्च खाएगी नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा. इसमें इतनी मिर्च है ऐसे ना आप
ट्राई करके देखिए। मैं ट्राई करूंगा अभी, लेकिन पहले आप। अच्छा चलें, हाँ जी बताएं, सवाल करें। यार ये बात, कितने भी नए लोग आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, वो देख लें, वो मिर्चे खाएं जरूरी। कि लड़के का, लड़के की प्लेट देख लें आप लोग। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? जल्दी कर लिया करें ना सवाल, आप भी मेरे टाइम पे आप देर से करते हैं। देर से करते हैं। यशमा ने कहा, Men can also be the victim of violence and harassment. इसको थोड़ा explain करो, क्या है? इसको explain करने का मतलब मेरा ये था कि हमारे यहाँ अक्सर जो है सिर्फ focus, I mean definitely औरतों के साथ भी जुल्म होता है, बच्चों के साथ भी होता है, मर्दों के साथ भी होता है, हर, मेरे ख्याल से लाइक आपको इंसान बोलना चाहिए बजाय इसके कि आप सिर्फ बोलो कि आप फोकस ज़्यादा औरत जात पे कर लेते हो। हर जगह किसी किसी औरत के साथ कुछ हो गया तो वो बहुत ज़्यादा एक स्पॉटलाइट में वो चीज़ आ जाती है, लेकिन अगर किसी मर्द के साथ कुछ होता है तो आप, यू डोंट फील बैड अबाउट इट बिकॉज यू जस्ट थिंक कि अच्छा ये तो मर्द है ना, मतलब मर्द को दर्द नहीं होता। टेबल पे हो रहा है ये जुल्म, ये तो सीरियस टॉपिक्स पे, ये सीरियस तरीके से बात नहीं करने देता। मैं इतने सेंसिटिव टॉपिक्स पे ना ऐसे बात नहीं कर सकती। प्रोडक्शन, इस टेबल पे ये जो जुल्म हो रहा है इसका जवाब कौन देगा? अच्छा, ये जुल्म हो रहा है, सब खा गया है। हाँ, क्योंकि मजे भी ले रहे हैं। इसको मेरा भी चाहिए, ये भी, ये भी, तो इन शॉर्ट मेरा मतलब बस सिटीजन का ये था। ओके गुड, डन। आप मुझे बताएं, ये देखिए अब तुम सबर करो। अच्छा सबर करो। अच्छा क्या क्या कह रही थी मैं? हाँ, तो मेरा बस मकसद ये था वो लगाने का कि एक लोगों का बिलीफ सिस्टम थोड़ा चेंज हो कि मर्द को भी दर्द होता है, ऐसा नहीं कि लाइक बेचारे वो इनसेंसिटिव है। ये देखें, वो देखो कितना अच्छा दोस्त है तुम्हारा, बात तुम कर रही हो सारे। You know, इसका इसका बेस्ट वो है फहद का, he, people think he's a genius because he can make you feel like he has your best interest at heart, whereas it's always about him only. वो पांच जुमले जो फहद को शुरू शुरू में सुनने को मिले और काफी दिल टूटा, पांच। आहा, वाह वाह, एक सेकंड। हाइट कम है, एक मुंह गोल है। गोल कहाँ है यार? अभी अभी ठीक थोड़ा बहुत हुआ। अच्छा, पहले जरा आ गया है, देखो बॉडीगार्ड। अच्छा, उर्दू खराब है। अच्छा, और एक लाइन थी आज भी बोलते हैं वो, के नहीं बनेगा। अच्छा, इसमें नहीं है। अच्छा, के नहीं बनेगा, चार हो गए लाइनें। आंखें बंद की हुई हैं, अभी भी उन्हें लग रहा है के नहीं बनेगा। He's making sure he sends them the message. हाँ, मजा आता। यार मैं मतलब क्या तुमने समझा था? मैं देखो कहाँ बैठा हूँ। मतलब किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ। तो आपने कहा hurt हुए हुए। Of course. पांचवी बात। और एक ये कि मैं arrogant हूँ। मैं arrogant हूँ। ये बात। Okay, ये पांच। यार ये जो segment है ना, तो क्या ये भी टेबल दूध पी रही है? ये भी हिस्सा है? तो मिर्ची लग रही है। ये भी मील का हिस्सा है क्या? तुम मेरे पीछे क्यों बैठ गए? यार भाई कह रहा है कि हमने रखा भाई, पी ले भाई, दिल कर रहा है तो। किसने मना किया है? हाँ, मैंने बता दी पांच चीजें। यशमा जी, मील का हिस्सा, मील का हिस्सा है यार। देखिए, ऐसे तो जाया नहीं करना चाहिए कुछ भी। ठीक है, जाया नहीं करना चाहिए। ठीक है ठीक है, हाँ पियो पियो, दूध पियो। ऐसे भाई अल्लाह देख रहा है यार। और तो यार गिल्टी फील कर, क्या यार अल्लाह देख रहा है, क्या करूं? जबरदस्ती के मुंह में डाल दूं? इससे पहले वादा लेंगे, मेरे जवाब के पीछे बोलेगा? इससे वादा लेंगे, मेरे जवाब के पीछे नहीं बोलेगा? हां हां, जवाब के पीछे बोला, ये खा, बस ये खा ले भाई। मैं खा रहा हूं, तू बता। ये रे, ओके ठीक है, पूछ लूं? फहद पूछ लूं? हां जी हां जी, एक और उठा ले वहां से यार। नहीं बस ठीक है। फहद इज एंजॉयिंग द विंग्स। ठीक है, कपड़ों पे जिस तरह का मेरा स्टाइल है, कभी कभी मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ उन पर बहुत तनकीद होती है, तो क्या ये तनकीद सही है या गलत है, ये बताओ। मेरे ख्याल से मैं ऐसे कपड़े पहनती नहीं हूँ कि तनकीद हो, मैं खुद बहुत पूछ क्यों पूछ रही है? नहीं, मैं तो देख रही हूँ, मैं तो देख रही हूँ यूं करके सर। हाँ, फिर उसके देखा ना, वो बोले नहीं। अच्छा हाँ, ये मेरी भी गलती है। इधर देखो। नहीं, मैं देखिए, आई विल टेल यू, अगर किसी को बिला वजह बात करनी है तो वो करेंगे, और अगर मुझे किसी चीज़ पे, मेरी अगर आप मुझसे पूछें कि मेरा कॉन्शियंस किसी चीज़ पे, मुझे ऐसे फील होता है कि कहीं पे लाइक आई वाज रॉन्ग, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने पर्पसली कभी कुछ ऐसा किया है या मैं करती हूँ या मेरा आगे करने का कुछ नहीं। बट यू थिंक कि हमारी सोसाइटी में आपको एक सर्टेन टाइप के लाइक एक लिमिट्स होती है हर यार? आपको नहीं पसंद आप मत देखो, आप आगे कर दो। आपको क्या मतलब है कि आप जाके कमेंट करोगे, आप लिखोगे, आप समझाओगे, बताओगे? खुद आपकी डिस्प्ले देख लो तो आपने भी वैसे कपड़े पहने होते हैं। मतलब एक फैक्ट है, लड़के मैसेजेस कर रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं, शर्म नहीं आती? आप तस्वीरें लगा रही हैं इंस्टाग्राम पे, हमारे इस्लाम में नहीं है। आप इंस्टाग्राम पे क्यों भाई?
मतलब आप लड़कियों के आप फिर इस्लाम में तो फिर ये भी नहीं है ना, तो आप क्यों देख रहे हो? तो मतलब वो वाली बात हो गई ना, तो लेकिन सबका ठीक है, एक मतलब इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म, कोई भी आके बात कर सकता है, लिख सकता है, पहले इतना प्यारा बोला है उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने बोला तुम बीच में बोलोगे नहीं, मैं अपना अपनी बात, but you don't like it if somebody comments, लेकिन nobody likes being bullied and nobody likes being talked about in a bad way unreasonably, लेकिन ये है कि सबका अपना राइट और सबका अपना एक तरीका है, थॉट प्रोसेस है, तो आप किसी को बेचारे को ऐसा बोला वो बोलना ही बंद हो गया यार। आई एम ग्लैड कहीं तो ये बोलना बंद हुआ। फजर फजर देखिए मैंने इसकी बोलती बंद करा दी। बहुत से सवाल है कि मैं एक फिटनेस फ्रीक आदमी हूं और मैंने सिर्फ हीरो बनने की खातिर फिटनेस शुरू की। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आई ऑलवेज लाइक वर्किंग आउट बचपन से ही, बचपन से ही मुझे एक शौक था, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता अगर आप खाली इस काम के लिए करोगे तो कितनी देर कर लोगे, नॉन स्टॉप नहीं कर पाते, शौक हमें होना चाहिए। हाँ, अगर नहीं है तो आप नहीं करते, यू आर नॉट रेगुलर। स्टिल है, जिम नहीं जा पाता तो आई ट्राई टू मेंटेन, जो कि नहीं होता, हेट माई सेल्फ अभी जो मैं होता हूँ, लेकिन ठीक है अभी काम मिल रहा तो आपको अगर किसी को कुछ बोलना भी है ना, तो आई थिंक एक बात करने के 10 डिफरेंट तरीके होते हैं, आप अगर उस चीज को अच्छे से प्यार से तरीके से डायरेक्ट करो अपने अल्फाजों को, तो वो अगला इंसान समझ भी जाएगा आपकी बात और उसको बुरा भी नहीं लगेगा। आप बजाय ट्रोलिंग की बजाय या बुली करने की बजाय पसंद आ रही है, से समथिंग इन अ नाइसर वे, हां आप उसकी उसको अगर आप उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो तो आप उसको तरीके से ठीक करो, बजाय से कि आप खुद भी लाइक आप क्यों बदतमीज बन रहे हो, यू नो। ठीक है, वेरी नाइस जनाब। मैंने थकावट देखी आपकी आंखों में आज। अच्छा वो कह रहे हैं, वो कह रहे बाद मेरे दिल साथ ही नहीं दे रहे, हरगिज नहीं। ठीक है ठीक है, हरगिज नहीं। यहां भी वो अकेला है, वो यहां भी अकेला है। अच्छा जनाब एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम अगली गेम की जाने बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। एक और मेरा फेवरेट सेगमेंट छुट्टी बंद, पता नहीं इसका नाम छुट्टी बंद क्यों है। ये मैं पूछने लगा था भाई, क्योंकि छुट्टी बंद हो जाती है इसके बाद। अच्छा अच्छा, और एज अ लास्ट सेगमेंट है इसलिए। नहीं फिर क्या चाहती हो, लास्ट कर? नहीं नहीं मुझे लगा मुझे नहीं कहती तो लास्ट कर देते। नहीं नहीं मैं पूछ रही हूं कि लाइक मुझे की मर्जी से होना तो मैं चलता हूं। नहीं मैंने तो कभी तो पूछ रहा हूं, मैं चलता हूं। नहीं नहीं वो क्या था, मारो मुझे, मुझे मिलके मारो, यूं वाला मेरा नहीं है, मैं चलता हूं कल आता हूं। नहीं नहीं कल बार-बार नहीं। अच्छा बहरहाल जनरल नॉलेज से कोई मतलब शौक लगाओ है? जी जी हां हम लोग तो यूट्यूब पे चला रहे होते हैं ना ब्रेक्स में अपने ड्रामे में भी। किंजा हमारी को एक्ट्रेस हैं जो सेट पे, वो उनको बहुत शौक है, हमसे पूछती भी आके अलग से कि बताओ इसका जवाब, इस तरह नाम याद होता है। ओके दैट्स कूल, सो प्रैक्टिस थोड़ी बहुत चलता रहता है। ठीक है, सो सवाल करेंगे और अगर आप सही जवाब जो पहले देगा वो ऑब्वियसली विनर होगा, और जो नहीं दे पाएगा वो इसमें से नंबर चूज करेगा, और यहाँ पे एक वार्डरोब है, तैयार होने का आप दोनों को शौक है तो फिर आज हम आपको खूब तैयार करके भेजेंगे यहाँ से। ठीक है सही है, रेडी डन डन। ओके द फर्स्ट क्वेश्चन दिखाएं जी। The only living cells in the body without blood supply is, यानी blood supply के बगैर जो चीज जिंदा रहती है, hair, nail या cornea? किससे सवाल? Blood के बगैर। दोनों से सवाल है। Okay, I'm a science student. हाँ तो बताओ। So I know it's cornea. Cornea. I mean it's the confidence से बोला, I hope so. Are you sure? It's cornea I think, because उस hair follicles को भी blood चाहिए होता है, nails को भी चाहिए होता है, cornea को as far as I know it doesn't. तो जवाब बिल्कुल सही है। लिविंग पार्ट नंबर चूज कर भाई। ठीक है, ऐसा भी होना था। 8 नाइस। हाय साड़ी पहनाए इसे, जल्दी से साड़ी पहनाए। मेरी फरमाइश है देखे। हाँ, साड़ी की तरह मैं इसको बांध सकती हूँ, मैं स्टाइल कर सकती हूँ, प्लीज मैं स्टाइल कर सकती हूँ, दुपट्टे को साड़ी बना सकती हूँ।
पास यार पहली ही चीज इतनी खतरनाक दिख रही है। मे आई हैव द ऑनर प्लीज। हाँ तो ये बस ऊपर डालना है ना भाई। ऊपर क्यों डालना है, मुझे इसकी साड़ी बनानी है भाई। एक मशरकी ब्राइडल है उसके ऊपर ओढ़ो बस। तो यशमा को पहनाना दो यार, शौक पूरा करो। ऊपर ओढ़े मैं बैठा हूं। मैं कह रहे कह रहे बस बैठिए भाई। ये देखिए मुझ पे तशद्दद करने जा रहे हैं। पाल लग रहा है। रिश्ता रिश्ता भेजे जल्दी से। ठीक है यार रिश्ता। ठीक है सवाल भाई, इसको लगा इसको उतारना नहीं। अच्छा अच्छा हाँ इसको अपने पास, मुझे नहीं जाना फहद के साथ। पास रखे आप। ओके ओके ये देखे, ये यू कैरेक्टर है ना, ये कैरेक्टर प्ले करें आप। ठीक है सर पे रहना है, सर पे रहना है। ब्राइडल दुपट्टा सर पे होता है। हमारी दुल्हन मशरकी और सर पे इसके पैसे हैं। कैमरे को दिखाना है इसके पैसे। जॉर्ज जॉर्ज मैंने निकाली हुई है। अगला सवाल जी जल्दी से बताएं जल्दी से। द फर्स्ट रॉकेट लॉन्च बाय पाकिस्तान वाज एक्सक्यूज मी मैं गौरी गौरी रोनी नहीं नहीं आई थिंक इट्स ए भाई गौरी आई थिंक इट्स ए। Because मैंने हमेशा ऐसे याद रखा था, रॉकेट से भी आर होता है और रबर भी आर होता है। मैंने ऐसे याद किया था। I think it's the A. सही कह रही है। ठीक है। देखो याद करने के तरीके होते हैं ना। वैसे कोई भी अगर उसको सोचता तो वो गौरी ज़ेन में नाम एक ही याद रहता है। क्योंकि फेमस वो है। लेकिन मैंने याद किसी वो उनकी होगी ना वफ़ात, उन्होंने भी कहा था लो जी आया जाए गौरी। But this is how I remembered it कि रॉकेट आ रहा है। भाई भाई पहले ये सुन लो उसने रिमेम्बर कैसे किया। भाई हाँ मैं जब तो बात करूंगी तो रट्टे मार। आ टू नंबर टू क्या क्या है बीच में। बहुत अच्छी चीज है। चोली पाकिस्तान इज लोकेटेड इन साउथ वेस्ट एशिया ईस्ट अफ्रीका सॉरी साउथ ईस्ट एशिया ईस्ट अफ्रीका साउथ एशिया आई थिंक ए साउथ ईस्ट आई थिंक ए ए मैंने भी ए बोल दिया भाई साउथ एशिया। अच्छा जी इन्होंने कहा साउथ ईस्ट एशिया मैंने कहा सी सी पता नहीं भाई अल्लाह केयर करे। फहद आई एम सो सॉरी यार तेरा जवाब बिल्कुल सही है। यस पिक करो तुम्हारी फहद क्या नंबर चूज करो। मुझे तुम पे तुमसे कितनी मोहब्बत है। हां हां बताता हूं फहद चलो चलो फहद पिक तो करो फहद आगे वो शो बहुत लंबा हो गया भाई। वो कह रहे इतनी नहीं दिल से करना शो जी। 7 फहद डेविल हेयर बैंड थाईलैंड आ गया अभी गई सऊदी का और मैच कितने आई एक्चुअली लुक लाइक अ मिर्ची लग रही है। यस नेक्स्ट क्वेश्चन Waheed Murad Saab died in which year? November 23rd, 1983. December 25th, 1985. Yeah, September 23rd, 1988. 88. A. No, it's A. Acha C. Kya hoga Waheed Murad? It's A. Acha mera C hai. It's November 23rd, Fahad. Aur main to confidence se kyun bol rahi hu? Main I think it's November 23rd. Yeah, iska sahi hai, mera sahi hai. A. I think it's A. B ko dono ne nahi chua. और मुझे पता नहीं कुछ हुआ। It's A. A किसने बोला? इसने। और C किसने बोला? मैंने। सही बोल रही है। हेलो। तुक्का तो नहीं मारा था? नहीं भाई। अच्छा। मुझे अब शक है इस पे। क्या शक है? मैं स्क्रिप्ट लीक कर गया। ये मुझे लग रहा है। पढ़ती हूँ। ये मुझे लग रहा है। आ भाई। आ 10। नंबर 10। 10 इससे बुरा क्या हो सकता है? सारा मोजो खराब हो गया। चादर है यार गोटे वाली।
मैंने आंखों पे नहीं पहना हुआ, मैंने सर पे पहना हुआ है। ये मेरी स्टाइल है। अब क्या है? ढूंढ रहा हूँ। मैं मुझे सेट करना है प्लीज। देखना ये तो मेरे बाल खराब कर देगी। नहीं नहीं आप दे, मैं पहनता हूँ। वैसे भी सहेली हूँ इनकी। मैं आए तो बात बन जाए। सही है। हाँ बात बन जाए। अर्थगुल लग रही है यार। रेड इंडियन अर्थगुल का कोई कैरेक्टर लग रहे हो तुम। इसका उसका बल्कि वो खलीसी खलीसी के शोहर लग रहे हो तुम। कहीं से खलीसी नहीं हूँ मैं, द्रोगा लग सकता हूँ। उसका गेम ऑफ थ्रोन्स। अगला सवाल। जी 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 अगला सवाल। आपका शो तो नहीं है ना इसके बाद कोई। इजी हो जाए, ये स्मार्ट नहीं करने देना। पाकिस्तान फर्स्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इज लोकेटेड इन लाहौर। आई डोंट नो, आई थिंक इट्स लाहौर, आई थिंक, बट आई एम नॉट श्योर। मैंने पहले जवाब ये क्या बात हुई, अगर मेरा सही जवाब तो सही है लाहौर। हैं ये बदल तो नहीं गया लाहौर। पहले जवाब किसने दिया है? अच्छा यार चले जाओ। गलत हो यार, फाद ने जवाब दिया जो कि बिल्कुल सही है। थैंक यू। मैंने भी सही दिया लेकिन लेट दिया। लेट हो तो नंबर थ्री। पगड़ी। ये कैप के ऊपर पगड़ी। मेरे सर पे ही आ रही हैं चीजें। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा पगड़ी, ये उल्टी चीजें निकल रही हैं। हाँ तो बट्टा उधर रख। बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लग रही है थोड़ा सही पहन। थोड़ा नीचे कर। नहीं मैंने पोनी बांधी भी है। पोनी बांधी है। अगला सवाल। हम तो यहाँ बैठते हैं कि तुम्हें देख सके और बर्दाश्त कर सके। इधर भी देख लो। जी जी। What is the symbol for potassium? A. Said A. ये क्या तरीका है? B या C? फादगा। हाँ। A. पता तो मुझे भी है मैं, लेकिन आपने ये इतनी जल्दी, अब मैं सर पे इतना हैवी वो रख दिया। A. हाँ नहीं पक्का। ये सब पक्का। हाँ नहीं वेट। A. मुझे तो A ही लग रहा है। उसने भी ये बोला, फिर हम दोनों कुछ पहनेंगे ना? लेकिन दोनों पहने। पहले उसने बोला है, हो सकता है उसका सही हो गलत हो। अगर गलत है दोनों गलत होगा। फिर क्या करेंगे? दोनों पहनेंगे। दोनों पहनेंगे। चलो इसने ए बोल दिया तो मैं सी बोल देती हूँ। मुझे सी लग रहा है। यशमा ने सी बोला, फहद ने ए बोला। सही जवाब क्या दिखाएं जरा यार। ए सही जवाब। आप लोगों ने ये तो मुझे मिसलीड किया गया है। मिसलीड किया है थोड़ा सा। कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था यार। कोई बात नहीं। कभी कभी किसी चीज पे कॉन्फिडेंस होना नाराज हो गई। मैं घर लेके जाऊंगी ठीक है। इसमें तस्वीरें लेनी है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जरूरी है, वो खींच ली हमने। ये मेरी नंबर चूज करो यार। अच्छा मैंने बजा नंबर फोर। यार ऐसा क्या आ गया है यार, ऐसे तो ना करें। I like good choice, good choice. अगला सवाल। आपका दिल साफ है ना, तो अल्लाह ने आपके साथ यूनिट ऑफ व्हिच क्वांटिटी लेंथ 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 फोर्स लेंथ 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 बोला एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम इज यूनिट क्वांटिटी। इधर ए और सी। फोर्स के लिए यूज करते हैं या लेंथ के लिए? इधर ए और सी। ए और सी। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। मैंने कहा ए और सी। लेकिन पहले किसने बोला? यार ये कोई तरीका नहीं है यार, उसके पास व्यू ज्यादा अच्छा है। आप ना मेरे ना व्यू पे खड़े हुए मुझे मैं हट जाता हूँ। व्यू से हट जाता हूँ। कॉल पे आ जाए। कॉल पे आ जाए। ऐसे देखें सवाल करूँ यही कह रही है अब तो। कॉल पे सवाल करूँ ऐसे मैं दो चीजें पहले घर लेके जा रही हूँ, आपने मुझे और देनी है? कुछ ऐसे ही है यशमा, क्या करें? कुछ नहीं यार, माफ करे ना फिर से। क्या मतलब मैंने तो जवाब दिया था। क्या नंबर बताओ। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी नंबर बताओ यार। अच्छा यार देखो कैसे देख रहा है मुझे। वन। नंबर वन। तुम तो अच्छी चीज देख ली यार। विंग्स ठीक है। एंजल तो मैं हूं ही वैसे भी। लो तुमने मेरे लिए स्टेटस लगाया था ना, मैनकाइंड एंजल। ये देखे
कभी किसी को एतन खान ने स्टाइल किया होगा, आप देखें मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूँ। वो खुश है, बैठ जाओ एतन। लग फिर भी अच्छी नहीं है यार। I look so good, man. लग अच्छी अच्छी लग रही है। You know, नहीं इसके साथ ये बहुत जरूरी है लगाना। मन की आंखों से देखना चाहता हूँ। लगाओ ना तुम भी आंखें ऐसी, देखो आंखें गिर गई। मैं अपनी मन की आंखों से देख रहा हूँ। मन की आंखें। ओके जी, ये हमारा आखिरी सवाल है। नॉट रियली। Oh yes, of course. दिखाओ जी. What is the name of the central part of the earth? Core. मैंने पहले बोला. Core crust. इसने पहले बोला. Core. किसने पहले बोला? Central part of anything is core. From the core of my heart. किसने बोला? इसने बोला. बिल्कुल सही बोला. From the core of my heart, you know. Heart की बात है. जी सर. हाँ, हमारे लिए माफ नहीं निकलेगा कभी भी. पांच सर, पांच. यार ये विच वाला, ये नाइन में विच है, मुझे पता है यहाँ से नजर आ रहा है। देख रहे हैं आप, अल्लाह देख रहा है, बहुत तेज है। मैंने कहा मैं पिक कर सकती हूँ इसका, ये देखिए नजर आ रहा है विच लिखा हुआ नाइन में। ठीक है, बिल्कुल ये चूज ना करना। अचानक नहीं, फ्रेंच, संस्कृत, संस्कृत या इंग्लिश? संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत। मैंने पहले बोला, ठीक है बोल दिया, लेकिन जवाब मुझे भी पता है, उसी में से तो सारी लैंग्वेजेस निकली है ज्यादातर। दोनों ने कहा संस्कृत, संस्कृत, दोनों गलत। यार मैं चाह रहा था ये दोनों निकल के यूज कर लें, लेकिन जवाब गलत है। फ्रेंच है क्या? फ्रेंच है। इंग्लिश। ओ, मैं तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस में चले गई। हाँ जी भाई, अच्छा मैं हूँ कुछ ऐसा। भाई चूज। लड़कियों की बात नहीं डालनी चाहिए यार। आप तो नहीं डाल रहे, मुझे नजर आ रहा है कब से यार। कमाल। तो वैसे मैं विच बन के यहाँ भी स्ट्रगल कर रही हूँ। मैं विच बन के भी अच्छी लग रही हूँ। ऐसे भाई ने कह दिया। ठीक है, ठीक है। विच, विच। वो तो मैं हूँ। सोच लो। विच, विच, विच। डर गई है। क्या ये विच में डर गई है? मैं लेट थी यार, हम इंसाफ। अमन, अमन, अमन के साथ ये नहीं। अच्छा पहले उसे सिक्स पे, हम दोनों ने पहले भी गिव इन। उसने सिक्स कार्ड बोला था पहले। नहीं नहीं नहीं, विच बनना है। नहीं नहीं, क्यों डर गई है? मैं बचपन से विच बनना चाहता हूँ। एसन से उस सिक्स पहले उसने बोला था। आप उसे फैसला करो। आप अपने शो में ना इंसाफी नहीं कर सकते। अरे ये होस्ट वीक हो गए। टॉस टॉस। ये होस्ट फीमेल गेस्ट के आगे वीक हो गए। यार एक भाई सिक्स इसका था। ये ऐसे ना, आपको अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह देख रहे हैं। ये इधर डराने लग पड़ता है। अल्लाह ने कह लिया ऐसे आपको अल्लाह भी है और पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे ना आपको अल्लाह भी है। आप ऐसे ना यार, ये देखो सिक्स बोला था। अच्छा दोनों को वन बाय वन लगेगा। ये फेयर डील, हम दोनों ने बोला था ना, दोनों को लगेगा फेयर डील है। अब पता चला यू गिव 6 टू हिम। आज वीकनेस नजर आ गई मुझे। बट यू फर्स्ट यू चोज 6। मुझे आज आप वीक नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझसे पहले 6 चूज किया। मुझे लगा आज मैं गलत कैसे कर सकती हूं उसके साथ। पर ये क्यों कहा कि नहीं मैंने 6 चूज किया? मैं हमेशा से सोचता था कि मैं स्ट्रांग उसके हाथ पिटा कर मैं हमेशा से इमोशनली ब्लैकमेल करो मुझे। मुझे आप भाई खुद चूज कर लो, मैं क्या करूं यार। ये किसका निकला बताओ मुझे। आप हमेशा दुखों के साथ शो पीछे करें और देखा जाए कि पहले किसने सिक्स बोला था। हाँ किसका निकला है? ब्यूटी है मेरे साथ यहाँ। किसका निकला पहले सिक्स? किसने बोला था? देखो ये मेरे कान में बोल, एक मिनट मेरे कान में बोल रहे हैं कि आप दोनों चीजें निकालें और उसकी पर्चियां डाल लें, क्योंकि दो चीजें ये बहुत अच्छा है। अब आप लोग चूज करेंगे। अरे यार पर्चियों का तो पता लग गया कौन सी। क्रम्बल कर ले। अच्छा ये बताओ, अच्छा यशमा मेरे राइट हैंड में जो है वो चाहिए या मेरे लेफ्ट हैंड में? अब चॉइस तो पहले, आई एम गिविंग यू द चॉइस फर्स्ट। एसन ले, एसन फ्रेंड है तुम्हारे बचपन के। हमें ब्रेक लेना यार। अच्छा ठीक है, लंबा करे शो। लेफ्ट देते हैं। लेफ्ट
ठीक है खोल के दिखाओ क्या है मुझे खुद नहीं पता या अल्लाह यही है यही मनूस आया है मेरे पास दे दे दाढ़ी इसको दिल साफ होते ना लमिया साफ तेरा नजर आ गया आवाम को जनता को तुमने ये ले भाई जनता को कह रहे नजर ठीक है हां के सामने देख ले भाई गाइस यशमा कैसी हो मैं बिल्कुल ठीक हूं हसन जी ऐसे पूछा था मैं तो मैं जी शो तक यहां तक पहुंच गया तो देखते हैं कैसी हालत है आप कैसे हैं भाई स्ट्रगलर हैं हम स्ट्रगलर हैं मैं तुम्हारा नाम सेव कर रही हूं तो होना चाहिए स्ट्रगलर लिख दो ये भी मुझे किसी ने कहा था क्या और उसने आंखें दिखाई उसको जिसने भी कहा है थोड़े दिनों पहले कहा जिसने भी कहा था उसने क्या लोग हैं ऐसी बातें करते हैं अच्छे लोग हैं अच्छे लोग हैं वो जज्बा जगाते हैं कि कुछ और करके बड़े लोग हैं बड़े लोग बड़े दिल के लोग हैं सही बोल रहा है दिल खोल के खेलेंगे लेट्स प्ले नहीं करना क्या है आप बता मुझे क्या करना है मैंने शो देखा है ऐसी वैसी क्या होगा इसमें से निकल सकता है किसी का नाम निकल सकता है आप टू एक्ट या उनके बारे में कुछ बताऊं या कोई गाना चलेगा यशमा तालियां ऐसा गाना चलेगा जो कहीं से भी डिसेंट नहीं होगा ये डांस करना उस पे ये ले भाई पहला नाम दुपट्टा परफॉर्मेंस क्योंकि वो सही खुशी होता है ये क्या म्यूजिक चल रहा है आप कितने खुश हैं वाला यार पार्टी तो करना पड़ेगा इसी में तो करना रात को पार्टी करते हो अच्छा बेटा तू आ तू बेटी चलो ये ताली बजाने खड़ी की अच्छा बिल्कुल नहीं हिल रही स्टेप होगी आपने इजी रखा हुआ है इसको बहुत इस शो में इस शो में इसको बहुत इजी रखा है यार यहाँ भी ज्यादती हुई है मेरे साथ फिर अच्छा वो पर्ची लगी फिर मेरे पास आ रहे ये ले भाई ये ले लो स्पाइडरमैन परफॉर्मेंस तूने चुराया मेरे दिल का चैन स्पाइडरमैन लगाओ स्पाइडरमैन मैं तो यूं कर रही हूं कौन सा गाना है आओ क्या है क्या है बहुत फेमस गाना है स्पाइडरमैन परफॉर्मेंस ना मैंने पकड़ लिया उसे बस ये खेतों वाला ये चलो उठो ये चलता रहेगा रिपीट में चले हट यार कुछ भी यशमा कुछ भी अरे हट चलो चलो भाई मैं तो स्पाइडरमैन हूँ हाँ चलो चलता रहे गाना वेरी बैड ये लड़की खेतों पे भी नहीं जा सकती है ना आई एम अ ब्लैक ब्यूटी व्हाट आई एम अ ब्लैक ब्यूटी क्या है यार ब्यूटी कहती थी ब्लैक क्या ही लगा दिखाओ
मुझे ना मेहमान से पैसे उड़ा रहा है। पढ़ने की कोशिश कर रही है। Clever, clever girl she is. Sana Javed mimicry. Sana Javed ki mimicry karni bahut easy. कोई डायलॉग बता दो उसका, मैं वैसे बोल देती हूँ। तो तुमने मतलब इसको काम ही नहीं देखा? नहीं देखा है, लेकिन कोई ऐसा लाइक कोई फेमस वो हो ना, मैं क्या मिमिक्री करूँ उनकी? लाइक मिमिक्री कैसे करूँ? तेरी फेमस तो हो। नहीं तेरी फेमस तो हो बल। सना आई एम सॉरी। फेमस सना डांस में मेरे साथ मेरी वाइफ है। सना आई एम सॉरी। अरे मैंने वो मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि हर किसी का एक लाइक सिग्नेचर डायलॉग होता है ना, सिग्नेचर डायलॉग कोई है। सुनो उसकी बात, सुनो सॉरी। वो फिरोज को जो गन पकड़ के बोलती है चलाओ गोली, बस ये था एक, मुझे याद है और मुझे नहीं कुछ। अल्लाह की कसम पैसे काटे आप इसके। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, क्या मैं डांसर हूँ? क्या मसला है? मतलब मसला क्या है? ये तो ये डीके और हेना से पूछो कि किसने कहा है। माना मैं करता हूँ लेकिन अलग सा जी। छोड़े सर, बोलो उसके मैं अलग से पैसे लेता हूँ। रेडी है ना शो के बाद? कम एंड डांस विद मी। ये जैसे उन्होंने बोला पंजाबी गाना है, बताओ भाई। वो कंपटीशन ये यहाँ से लेट्स एंजॉय। Come on, Yashwar, साथ दो ना उसका। आप भी आ जाए ना। बहुत अच्छे, आगे बढ़ो। मुझे पता चल गया कैसे खत्म करना है। वो गाना चला के भूल गए कि बंद करना है। ये बस ना अब तो। बस क्यों? बस नहीं ट्रक। यार होस्ट से डायरेक्ट, डायरेक्ट होस्ट से ना बात है इधर मिमिक्री। ये अच्छा जितनी वो बुरी कर रही है उसको मिमिक्री मिलती जा रही है। मिमिक्री नहीं, कुछ भी कर बता सकती हो, कोई भी बात कर सकती हो। यार इन्होंने बात करनी है तो इन्होंने उसमें बहुत अच्छा काम किया था जिसमें आप वो बता रही है मुझे नाम जिसमें सोनिया। यार इससे तो मुझे डीफेम ही की कर दिया है। हाँ मोहसिन ने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छा काम किया था एक ड्रामे में, आई थिंक मेरी गुड़िया ड्रामे का नाम था जिसमें एक छोटी बच्ची होती है। ठीक है, इट वाज अबाउट लाइक चाइल्ड मोलेस्टेशन। बंद कर दे, ये मुझे बोलने ही नहीं देता। आपने देखा, आपने नोट किया, सच्ची बताया कि ये बोलने नहीं देता। एसन भाई ने कसम खा ली आज वो आइस टब में बैठेंगे, आज वो स्पेन के बाद आइस टब में बैठेंगे। तुम ऐसे अपनी जगह बनाते हो ना, दूसरों की बातों में, दूसरों की बातों में। यू स्नेक, यू स्नेक। अब डांस आया ना एसन भाई, तो पहले उस सोफे पे खड़े होकर करना है। डन हो गया। मिमिक्री मिनाल, तो मिनाल के बारे में कुछ भी कोई बात बता दे। हाँ मिनाल के साथ तो मैंने ड्रामा किया ना। हाँ। अच्छा मैंने सबके साथ कर लिए, आप मुझे छोड़ देना चाहिए काम। सबके साथ कर लिए, रह ही नहीं गई कोई। हाँ मिनाल क्या बताऊं? मुझे पता है एक तो उसके जो क्या कहूं उसके बारे में, कुछ ऐसी ही है मिनाल। क्या था? क्या बताऊं, कुछ नहीं है मेरे काम किया उसके मुझे डांस करवा लो यार। अब तो मुझे आदत, अब तो मेरे अंदर आ गया है। अब कुछ भी लगा दो, कुछ नहीं है बताने वाला, कुछ भी नहीं। शी इज परफेक्ट। ओके कूल। एसन यार ये क्या जबरदस्ती है यार, ये तो एक लड़की परफॉर्मेंस। उठ जा, कौन सी वाली परफॉर्म, ये कौन सा गाना एक लड़की?
मेरी पर्ची पकड़ी गई. अच्छा ऊपर तो आओ ना. ऊपर फ्लोर पे. ओहो आओ ना मुझे उठाने आओ. हाँ एक लड़की गई. मुझे नहीं दिखाना उधर दिखा. तेरी आंखों में समाई एक लड़की तेरे दिल को चुराई. बस कर दिया यशमा ने भाई कर दिया. थैंक यू. अमेजिंग शो अमेजिंग शो. लेट्स गो. अच्छा रह गई इश्क परफॉर्मेंस. क्या ये गाना होगा यकीनन जो ना सुना होगा किसी ने. पीछे तो मेरे. अच्छा ये था इसमें. ये था इसमें. वो तो टब में लेटा है भाई. मैं हूँ. हाँ ये मेरा बेटा देखेगा कल को. तो क्या अच्छा हुआ? है अच्छा सही गाना है. फॉर्म क्या है मेरा बेटा देखेगा कल. ये कहाँ आ रही है? नहीं यशमा तो आगे करो ना. स्लो गान. वो बस ऐसे में स्लो गान है. यशमा तू क्या करने लगी थी? अच्छा तो खींचे ऐसे था. अच्छा तो गाया यार. उसको लगा मर्डर फिल्म का कोई सीन है वो. तुम्हारा मर्डर है आज मेरे हाथों. शो के बाद स्टेज धमकी. प्रोड्यूसर्स की आंखों में था कि इनको दे रहे हैं हम पैसे तो मुझे ये शो बचाना है. ये मेरी इज्जत पे आ गई है. ये हमारी तो डील इज्जत पे हुई थी ना. हाँ वो तो नहीं जाने देता शेख. वो आपको तो मिली है ना शो पे. अच्छा आप जो लोग देख रहे हैं आपको फॉलो कर रहे हैं और ये शो भी देखे उनको कुछ कहना चाहोगे? ये शो देखते रहे जरूर और प्यार करते रहे. हम लोगों से आप लोगों की इज्जत है जो आप लोगों हमें देते हैं. दैट्स व्हाई वी आर हियर एंड फाइनली वी गॉट चांस टू बी एट एहसन खान शो. सो प्लेजर सर. और सबके लिए प्लीज शो देखिएगा जरूर बताइएगा कैसा लगा. क्या पैगाम देना चाहोगे अपने फॉलोअर्स को जो लोग देखते हैं? चले मैं चलता हूँ. बोलने तो बेचारी को यार जान है मेरी यार. बोलने नहीं दे रहा. तुम ही बता दो ये भी. तुम ही बोल दो. यशमा भी आप लोगों से यही कहना चाहती थी. चले हाँ यशमा अब चलो अब हो गया. प्लीज अब. कोशिश करके आप लोग फहद की बातों के बीच में कहीं ना कहीं मेरी भी बात सुन लीजिएगा क्योंकि उन्होंने तो हर जगह मुझे ओवरलैप किया है. तो नहीं समझ में आया तो मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा. मैं बता दूंगी क्या बात थी क्योंकि कुछ समझ नहीं आएगा इनकी वजह से. बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू ऑल. वी कैन नेवर बी एनीथिंग विदाउट यू गाइस. थैंक यू. ग्रेट वंडरफुल गाइस. बहुत अच्छा लगा दोनों से मिलके. और आई थिंक हम शायद शूट पे अगर हो एक साथ तभी इतनी बातें हो सकती हैं. अदरवाइज आई हैव नेवर मेट यू लाइक दिस बिफोर. और ग्रेट पीपल. Stay blessed all the time, all of you, both Thank of you. और future के जितने projects हैं यार, all the luck to you. Thank you. Especially, बहुत ज़्यादा. क्योंकि बेचारा इतना struggler है, इतने दुखी लोगों को याद ही करता है. तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा luck wish करना चाहता हूँ यार कि खुश रहो, बहुत कामयाबी मिले. And Yashma, thank you so much. Always stay blessed, happy. Thank you. It was really nice. Having are you sure like being here with you and seriously I had a lot of fun and you're really like fun amazing to be around. Amazing. Thank you Yashma. Thank you so much guys. Had a lot of fun. Good luck guys. Aap log mujhe feedback dijiyega. Inshallah next week ek naya celebrity couple hoga jo aap logon ka favorite hoga hamare saath. Tab tak ke liye ijazat dijiye. Goodbye.